हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ मैराथन ऑन यूजीसी नेट जेआरएफ। सो ये पर्टिकुलर मैराथन आपको कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड सिखाएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में, 2 आवर्स में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड हो जाएगा एनटी यूजीसी नेट के लिए। सो आपकी वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए भारी है, ठीक है। सो आप नव क्लासेस ऐप जरूर से ज्वाइन कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, लाइक आप यूजीसी नेट पेपर 1 एंड की तैयारी कर सकते हैं एंड पेपर 2 कॉमर्स की भी, और आगे जाके आप रिसर्च पेपर्स प्रपोजल लिखना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए भी पूरा यहाँ पर प्रावधान है। यूजीसी नेट रिसर्च स्कॉलरशिप टेस्ट में जल्दी करवाने वाली हूँ, तो आप ऐप में आ जाइए एंड सो बहुत कुछ है, ठीक है, टेस्टिंग इज एंड ऑल। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट पेपर 1 मैं आपको करा रही हूँ नव क्लासेस ऐप के अंदर, जिसके अंदर सारे कंसेप्ट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड इन ऐप आपकी पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। और ऑलरेडी मैंने सारे पीडीएफ लोड करी है ताकि अपने हिसाब से जो यूनिट बनना बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़ भी सके, ठीक है। कंसेप्ट्स, प्रीवियस क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक ही कोर्स के अंदर। अगर आप ओनली पेपर 1 का कोर्स लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपीज में आप इसको अनलॉक कर पाएंगे, ठीक है। एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉम्बो भी ले सकते हो, जो कि 6500 का पड़ेगा, और ओनली पेपर 2 लेना है तो 4000 का, ठीक है। सो कंप्लीट कोर्स है ये। एंड पेपर 1 एंड मैनेजमेंट, अगर आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तब भी, सो ये मेरी गारंटी है कि जो भी आप नव क्लासेस में सीखेंगे वो बहुत ही अच्छे से आसान शब्दों में पूरा का पूरा सिलेबस भी कम्प्लीट करवाया जाएगा, दिसंबर के एग्जाम से पहले पहले कवर हो जाएगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पढ़ाया जा रहा है बस उसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस क्वेश्चंस की, आंसर टेस्ट सीरीज की, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो, इसके साथ मैंने आपको बताया ही है पेपर 1 की, और इनमें से जो पेपर 2 अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो इनके पेपर 2 की भी टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। लगभग 1200 टेस्ट है इसके अंदर, तो इसको अगर ऑन होल आप देखेंगे तो लगभग 900 टेस्ट तो पेपर 1 के ही है, और पेपर 2 के हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 10-12 टेस्ट हैं, उसके ऊपर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं टेस्ट शब्द का मतलब, जैसे पेपर में आता है एग्जाम में, लाइक टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन इंटू 900 कर लो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, और आपके 100 में से मल्टीप्लाई कर देना हर एक टेस्ट को पेपर 2 के लिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते ना पेपर में, बिल्कुल उसी तरीके से। हाँ जी, आवाज चेक करिए, आवाज कम है, ब्रेक हो रही है, क्या हो रहा है, अभी ठीक है क्या, माइक थोड़ा ऊपर करा है मैंने, क्वेश्चन आते ना पेपर में बिल्कुल उसी तरीके से। हाँ जी, आवाज चेक करिए, ठीक है, मुझे तो अभी ठीक लग रही है, मैं थोड़ा ऊपर कर लिया माइक, ठीक है। सो सभी की सभी नव क्लासेस ऐप जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज हर घर नव लर्नर, हर घर जेआरएफ, आपका बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन अब यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। सो आप लोगों के लिए हर हफ्ते फ्राइडे को मैंने वीकली नव लर्नर्स डिस्कशन भी रखा है, जिसको आप सिर्फ 5 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए अनलॉक कर पाएंगे, और इसके अंदर मेरी हर हफ्ते क्लास होती है, ठीक है, जिसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं आपके साथ अगर आपको कोई क्वेरी है, और मैं कोई ना कोई ऐसा टॉपिक करवाऊंगी जो बहुत ही यूनिक होगा और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, सही है आवाज। सो ये सारी मेरी बुक्स आती है, पेपर 1 की कंसेप्ट बुक, प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये जो ऑरेंज वाली बुक है इसमें सारे 2023 के क्वेश्चन है, फेब मार्च जून, ग्रीन वाली बुक में 2018 से 22 तक के क्वेश्चन है, ग्रीन वाली बुक मेरे पास अब थोड़ी सी बची है, तो जिसको चाहिए वो बुक कर भी सकता है, ठीक है, इसका स्टॉक खत्म होने वाला है। कॉमर्स की बुक जो है वो एक ही बुक में सारे के सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। हाँ जी बोलो भाई, सब बच्चे कह रहे हैं आवाज की प्रॉब्लम है, आवाज लो हो रही है बीच बीच में, अच्छा लेफ्ट साइड आप जाते हो तो लोड़ती, मतलब अगर मैं ऐसे फेस करके बोलूं तो लोड़ती है, मतलब सामने सामने से ही होती है, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, तो अभी चेक करके बताना कि अभी कैसी आ रही है। सो फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, अभी बताना जरा, हाँ हाई लो जा रही है, या तो मुझे इस माइक को साथ लेके घूमना पड़ेगा, या तो है अभी ठीक है, ठीक है ब्रदर चेक करें, तो आई होप कि अब ठीक होगी,
आप बताना, मैं थोड़ा सा टॉपिक समझा दूं, फिर देखते हैं कि आपको थोड़ा अभी आवाज कैसी आ रही है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब किसी चीज के बारे में सर्च करना जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में है। तो इसलिए एक्चुअली हम लोग वाक्य में कोई चीज ढूंढ कुछ नया ही नहीं निकालते, ठीक है, यही ठीक है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो, जस्ट थोड़ा सा बता दो, आवाज अभी ठीक आ रही है? इधर उधर मुट्ठी हिलाने पे ओके, फिक्स कर दे यहाँ पर, ये वाली ठीक आ रही है। सो एक्चुअली इट इज रिसर्च, किसी भी चीज के बारे में दोबारा से एक तरीके से सर्च करना, ठीक है यार। ये लेफ्ट साइड कौन सी में नहीं जाना, मैंने कम हो जा रही है लेफ्ट साइड पे, उधर जाने से कम हो जा रही है, तो पीछे तो जाना ही पड़ेगा, लिखना है तो यहां रहूं। ओके, तो देखिए रिसर्च का मतलब दोबारा से किसी भी चीज के बारे में सर्च करना, ठीक है। आवाज नहीं आ रही इनको, मैं दूसरा माइक स्विच चला लेती हूँ, पक्का डाल दो, नहीं अभी इतना क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है। एक मिनट, हेलो फ्रेंड्स, अभी आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो हेलो, आप चेक कीजिए प्लीज, नाउ इज इट ओके? नाउ इट इज ओके, आर यू श्योर नाउ? ठीक है, ओके, मैं लेफ्ट साइड देख के देख लो जा रही हूँ। सो बेसिकली फ्रेंड्स, रिसर्च का मतलब है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है आपके बारे में, आपके, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ और खोज करना, ठीक है, अभी क्लियर है? नाउ फाइन, ठीक है, थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग। अब जितनी क्लास लेट हुई है उतनी थोड़ी देर लेट तक पढ़ लेंगे, डोंट वरी एट ऑल, पढ़ाई लिखाई में नो कंजूसी, ठीक है, पढ़ लो बस। सो बेसिकली रिसर्च के अंदर आपके डिफरेंट टाइप के रिसर्चेस होते हैं, और आज की क्लास के लिए हम लोग कहीं ना कहीं वे कॉन्सेप्ट वाली जो बुक है इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नव क्लासेस प्लस में है तो वो सारी चीजें भी वहां पर भी कवर होगी, ठीक है। 58 पेज पर आते हैं, सारी के सारे नोट्स मैंने अपने बुक में दे रखे हैं। लो हो गई, नो साउंड, ठीक है, प्लीज अब नो एक्सपेरिमेंट, मैं दूसरा माइक लगा दूँ। कैमरा बंद, हेलो, हेलो, इसको हटा दो, अभी सब सही है? स्टक हुआ था, अपने पुराने कैमरे पे आ गए हम, ठीक है, बस इधर से वो कैमरे के अलाइनमेंट ठीक करने वाले। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
सो फ्रेंड्स रिसर्च के बारे में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च का मतलब है कि हम किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, है ना. तो एक्चुअली हम एकदम से कुछ नया खोज करेंगे तो उसको डिस्कवरी बोलते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में ऑलरेडी है. तो रिसर्च का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसके न्यू कॉम्बिनेशन ढूंढना, कुछ नए तरीके से किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताना. ठीक है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसके न्यू कॉम्बिनेशन ढूंढना कुछ. आई थिंक अब सही है. कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है? तुम्हें आज पढ़ने का मन कर भी रहा है कि हाँ छुट्टी कर दे हम क्लास में, वो भी बता दो मुझे. सो बेसिकली टाइप ऑफ रिसर्च की बात करते हैं. ठीक है, सो रिसर्च आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, सो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से रिसर्च कैसी कैसी हो सकती है. अब ठीक है, ओके अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे प्लीज, तो साथ बने रहिए. डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, और जी हाँ एक्सप्लोरेटरी, कोरिलेशन एसेट्रा. ठीक है, तो एक्चुअली रिसर्च के टाइप्स हम अलग अलग हिसाब से देख सकते हैं. टाइप्स में आएगा कि क्या हम इसको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करें या फिर एप्लीकेशन के हिसाब से या फिर इंफॉर्मेशन कैसी आ रही है, इंफॉर्मेशन कैसी देखी जा रही है, या फिर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, कितने लोगों के साथ हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. थोड़ी देर सुनोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर हम रिसर्च की टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स में आता है ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए और कॉन्टैक्ट किस प्रकार, कितने लोगों के साथ हम कर रहे हैं, ये सब चीजें. बट उसके अंदर हमारे क्या आते हैं, मेथड्स, कि इसके अंदर फिर कौन से मेथड यूज करेंगे इस प्रकार की रिसर्च करने के लिए, कौन से मेथड यूज करेंगे इस प्रकार की रिसर्च करने के लिए. अब समझो ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है. ऑब्जेक्टिव का मतलब है यहाँ पे मैं एक्चुअली करना क्या चाहती हूँ. ठीक है, जो भी मैं करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी जितनी भी रिसर्चेज हैं इनको स्टडी करके इनके बारे में जानना चाहती हूँ कि अभी तक ऑलरेडी क्या हो चुका है, तो वहां पर हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे और क्या चल रहा है. अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, न्यू टॉपिक है, तो उसके बारे में जस्ट जानकारी लेना कि ये मेरे लिए टॉपिक सही है भी कि नहीं, तो उसको क्या बोलोगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे. मतलब कि आपके बैकग्राउंड में आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके हिसाब से हम रिसर्च का ऑब्जेक्टिव फाइंड करेंगे और जो ऑब्जेक्टिव होगा उस ऑब्जेक्टिव के अनुसार कौन सा मेथड बेस्ट होगा हम वो चूज करेंगे. यहाँ पर ये समझ में आया? अगर मुझे कोई साइंटिफिक यू नो रिजल्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल कि मैं कुछ केमिकल्स को मिक्स करती हूँ और उससे कैसा रिजल्ट आता है, तो हम क्या करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे. ठीक है, एक्सप्लोरेटरी हो गया आपका फिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए. अगर मुझे ये देखना है कि किसी चीज़ में आपस में रिलेशन क्या है, कि वो एक दूसरे से लिंक्ड है भी कि नहीं, तो हम कोरिलेशन देखेंगे. तो बेसिकली मैं क्या चाहती हूँ ढूंढना, उसके बेसिस पे हम लोग मेथड्स यूज करेंगे. तो यहाँ से मैं अगर रॉ वाइज देखूंगी, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट, तो ये आपके प्रकार है, टाइप है, और उसमें कौन सा मेथड यूज करना है वो उसके नीचे आ रहा है. ठीक है, अब आते हैं क्या एप्लीकेशन की तरफ. एप्लीकेशन में हम ये देखते हैं कि क्या मैंने कुछ नया फाइंड करना है. तो अगर समथिंग न्यू फाइंड करना है तो वहां पर आप क्या करेंगे, फंडामेंटल रिसर्च. ठीक है, या फिर जो ऑलरेडी मेरे पास नॉलेज है उसके बेसिस पे आज की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या फिर आज कोई क्वेश्चन के ऊपर या फिर एक सिचुएशन के ऊपर आपको अप्लाई करके देखना है, उसका सॉल्यूशन चाहिए. तो अगर मुझे किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक
ठीक है, तो हम अप्लाइड रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन के बेसिस पे मुझे अप्लाई करना है या ढूंढना है, किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना है तो फंडामेंटल कर लो, ज्ञान ऑलरेडी है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन चाहिए तो अप्लाइड करेंगे, ऐसे पता चलता है। देन किस प्रकार की इंफॉर्मेशन सॉर्ट, मतलब किस प्रकार की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कैसे रिसर्च कर सकते हैं। मुझे ठोस रिजिड चाहिए तो क्वांटिटेटिव, या फिर किसी चीज के व्याख्या करनी है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है तो फिर क्वालिटेटिव, ठीक है, तो फिर क्वालिटेटिव। वही कॉन्टैक्ट की बात करते हैं कि हमने कितने लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करना है, अभी क्या एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करना है तो फिर क्या करेंगे हम, मैं इधर लिख रही हूँ क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, या फिर मुझे कुछ ही लोगों के साथ या फिर एक ग्रुप के साथ या एक पर्सन के साथ लंबे समय तक स्टडी करनी है तो फिर हम लॉन्गिट्यूडनल करेंगे। आपको रिसर्च के टाइप्स के बारे में ज्ञान हुआ, जो रिसर्च के टाइप्स है वो ये बताता है कि आपको किस प्रकार की रिसर्च करनी है, ठीक है। टाइप्स का मतलब यही होता है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं कुछ अप्लाई करना चाहती हूँ, कुछ नया लिखना चाहती हूँ, मुझे श्योरिटी चाहिए या फिर अंडरस्टैंडिंग समझ चाहिए किसी चीज़ की, मुझे अभी इस तक स्टडी करनी है या लंबे समय तक करनी है, या मुझे बहुत सारे लोगों पर स्टडी करनी है या एक के ऊपर लेकर बैठना है, तो हम कॉन्टैक्ट के आधार पर देखते हैं। तो यह है टाइप। अब मैं क्या कह रही हूँ, आपका मैथड्स, तो नीचे जितने भी इस प्रकार के टाइप के अनुसार हम चूज करते हैं कि मुझे ऐसे में फिर कौन सा मेथड चूज करना है। किस किस को ये अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया कि रिसर्च का टाइप क्या होता है और रिसर्च के मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है जी। एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च के अंदर आती है, अभी उसके अंदर एकदम से ना भागे क्योंकि मैं एक एक करके समझा रही हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ पहले व्हाट इज रिसर्च पैराडाइम। कितने लोगों को पैराडाइम आता है, पैराडाइम का मतलब एक पर्टिकुलर रिसर्च का क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस संदर्भ में किस प्रकार की अगेन रिसर्च कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे पैराडाइम। 1 2 3 हेलो हेलो, लिसन केयरफुली, मैंने एक भी मेथड नहीं सिखाया अभी तक, अभी क्लास की जस्ट शुरुआत है, एक एक करके सारे मेथड सिखाए जाएंगे, समझ आ गई। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, अभी उस पर ना जाइए, पहले मैं इसे जो समझा रही हूँ वो समझ लीजिए, जब उसका नंबर आएगा तब समझाया जाएगा, बीच बीच में करोगे तुम्हारा ही लिंक टूटेगा, जैसे अभी मेरे बोलने पे टूट रहा है। सो पैराडाइम का मतलब बेसिक फ्रेमवर्क, यस ठीक है, यू कैन से। सो रिसर्च का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो सबसे अच्छे तरीके से शॉन्डर्स ने दिया है, ठीक है। और ओवरऑल मैं पैराडाइम की अगर बात करूं तो उसके अंदर हमारी आती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फिलोसफीज कि रिसर्च किस किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं पॉजिटिविज्म। जो बहुत ही पुराने जमाने के लोग थे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविज्म को मानते थे, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म के अंदर क्या आता है, पॉजिटिविज्म के अंदर आता है हर चीज को एज अ पॉजिटिव ले लेना, ये सोचना कि मैंने अगर कोई ज्ञान प्राप्त किया है या फिर किसी को दिया है तो उसको पूरा वैसे का वैसा ही ज्ञान आ जाएगा, उसमें ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को कम आया, इस पर्सन को ज़्यादा आया है, या फिर ये पर्सन अपने अंदर से कुछ नया निकाल देगा, कुछ भी नहीं। मैंने जैसे कि वो ज़माना याद करो एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो अगस्ते कॉमी ने दिया है ये पॉजिटिविज्म, लेकिन फिर भी एक पुराना ज़माना याद करो, हिटलर का जो ज़माना था वो अपनी प्रजा से जो करता था उसको उसी तरीके से करवाता था, और जो नहीं करता था फिर उसके पता तुम्हें क्या होता था। तो इसी तरीके से पॉजिटिविज्म का मतलब है कि जिस तरीके से हम लोग आपको समझा रहे हैं आपको वो चीज़ वैसे ही एग्जैक्टली समझ में आएगी। तो नॉलेज कैसी बोली गई है यहाँ पर कि ट्रू नॉलेज होगी, ठीक है, हर एक व्यक्ति सही नॉलेज लेकर आ पाएगा, 100% श्योरिटी होगी और
ट्रू नॉलेज, श्योरिटी, इसको साइंटिफिक मेथड कहा गया है, इसको एम्पिरिसिज्म कहा गया है। एम्पिरिसिज्म क्यों, पहले हम इस चीज को समझते हैं, क्योंकि एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना, और ये अपने अंदर अपने आप में इतने ज्यादा स्ट्रांग थे, इतना मानते थे कि जो हम कह रहे हैं उसका वही सेम वही रिजल्ट आएगा, इसलिए हम श्योर है कि आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आप एक्सपीरियंस करके देख लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, वो इस पॉजिटिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा श्योर थे, 100% दिस इज श्योर होना। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको खुद एक्सपीरियंस भी करोगे तब भी आपको सेम ही रिजल्ट निकलेगा। चक्कर ये है कि पहले वाले जो लोग हैं जो पॉजिटिविज्म के युग से बिलोंग कर रहे हैं, उनको एक्चुअली डेफिनेशन में क्लियरेंस नहीं है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव की जो एक्सप्लेनेशन है, उस डेफिनेशन की क्लियरेंस वो सही से नहीं बता रहे हैं। जैसे कि जो इंडक्टिव होता है उसमें थ्योरी निकलती है, अब ये लोग कह रहे हैं कि हमने जो रूल बनाए लोग बिल्कुल उसी प्रकार से रूल यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि रूल बने भी कैसे, क्या रूल अपने आप टपक गए आसमान से? नहीं, किसी ने तो बनाए होंगे। तो जब रूल क्रिएट किए गए तब तो कहीं ना कहीं वो थ्योरी थी, इंडक्टिव थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पे क्वांटिटेटिव ही होता था सिर्फ और क्वालिटेटिव होता ही नहीं था। क्वालिटेटिव या फिर इंडक्टिव, क्वालिटी को इंडक्टिव एंड क्वांटिटी को डिडक्टिव बोलते हैं, दोनों होते थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसके ऊपर भी रिजिडिटी लगा दी गई थी, इसके ऊपर भी कहा गया कि भाई जो आपके साथ रूल्स लेके आया जा रहा है, थ्योरी लेके आ जा रही है, वो भी आपकी 100% पॉजिटिव ही रिजल्ट देगी, यानी कि श्योरिटी से सेम रिजल्ट देगी, उसके ऊपर भी अंधाधुन विश्वास किया गया है। इसलिए वो यहाँ पर पॉजिटिविज्म का दूसरा नाम साइंटिफिक पॉजिटिविज्म का दूसरा नाम एम्पिरिसिज्म भी कह रहे हैं, इसे याद रखिएगा। एम्पिरिसिज्म अगर बोलेगा क्वेश्चन तो आप पॉजिटिविज्म वाला ही आंसर देंगे। कौन है इसके फादर? अगस्त्य कॉमे इसके फादर हैं। ठीक है, सुखविंदर जी, अगर आप कंटेंट के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करके अपने कान लगाए ना क्लास में, तो आपको हिंदी सुनाई देगी। ठीक है, तो थोड़ा सा कानों से सुनिए भी, टाइपिंग से बजाए थोड़ा ध्यान क्लास में लगा लो। सो बेसिकली पॉजिटिविज्म का मतलब समझ में आ गया कि 100% श्योरिटी। वही अब हम आते हैं उसके अगले युग में, जब हम बात कर रहे हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? पोस्ट एम्पिरिसिज्म। ठीक है, पोस्ट एम्पिरिसिज्म दर्खेम ने बेसिकली इसको दिया है। ठीक है, तो इसके दर्खेम अच्छे मान जाते हैं, और इसके अंदर एक्चुअली अब आपको समझ में आने लगा कि जो आपको नॉलेज दी जा रही है वो 100% श्योर नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ये एग्जैक्टली सेम ही रिजल्ट आता है। ठीक है, जो नॉलेज दी जा रही है उसके अंदर बायसनेस आती है। बायसनेस का मतलब क्या होता है? लोग चीटिंग कर सकते हैं। क्वालिटेटिव का सही मतलब यहां पर निकाला गया कि इधर लोग अपने मन से सब्जेक्टिव हो जाते हैं। सब्जेक्टिव मतलब किसी भी चीज का जो मतलब है वो अपने अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव हो जाना। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर काम कितनी देर में करके देना है किसी बॉस को, तो वो कह रहा है कि 1 घंटे में करके देना है, और उसने एक टाइम पूछा कि बताओ 1 घंटा हो गया क्या, और अगर 1 घंटा हो भी गया तब भी बोलूँ नहीं 5 मिनट और, तो यहाँ मैं क्या हो गई? सब्जेक्टिव हो गई। अपनी तरफ से अपनी बात मनवाने के लिए मैंने अब थोड़ा सा झूठ बोल दिया, चेंजेस कर दिए। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिवनेस। अब मुझे आप ये बताइए, क्या पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले लोग ये कहते थे कि भाई सारे ही चीटिंग खोर हैं, ये कहते थे कि सारे ही बायस्ड हैं, ये कहते थे कि कुछ भी सर्टेन नहीं है, 100% कुछ हो ही नहीं सकता? नहीं बाबा, उन्होंने पॉजिटिविज्म को काटा नहीं है, पॉजिटिविज्म के साथ अपने एड ऑन पॉइंट्स दिए हैं, समझे? तो वो ये मानते हैं कि पॉजिटिविज्म की तरह यहाँ पर डिडक्टिव होता है, और डिडक्टिव 100% श्योर भी होता है। उसके साथ बता रहे कि ये भी हो सकता है, सारे के सारे चीटिंग खोर थोड़े ना हो जाएंगे। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट,
ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले। आई होप ये कंसेप्ट आप समझ पा रहे हैं। हाँ ओके, सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि पोस्ट पॉजिटिविज्म के बाद कौन आया। सबसे पहले तो पॉजिटिविज्म थे, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म वालों को भी कभी कभी इंटरचेंजेबली बोल दिया जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म, या फिर आपका कंस्ट्रक्टिविज्म शब्द मतलब है, या फिर इंटरप्रेटिविज्म। एक मिनट, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है कोई चीज अपने मन से बनाना, ठीक है, क्रिएट करना। इंटरप्रेटिविज्म का मतलब है इंटरप्रेट करना, समझना, अंडरस्टैंड करना। और अंडरस्टैंडिंग के लिए ही वर्स्टैंड, एक वर्स्टैंड एक टर्म है जो कि लेटिन लैंग्वेज में है शायद, या स्पेनिश लैंग्वेज में है, दूसरे शब्द हैं। इसका मतलब भी यही ना कहीं यही आता है कि किस तरीके से हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ठीक है। यस, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू, ये बिल्कुल ही क्लोजली रिलेटेड है कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इंटरप्रेटिविज्म के साथ। तो हमें ये दोनों टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमें समझनी है। ओके अच्छा, सो बेसिकली हमने क्या क्या समझा, पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब दो टर्म और बची हैं, वो है रियलिज्म। तो यहां जो मैं बात कर रही थी पॉजिटिविज्म, इधर बात कर रहे थे हम पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म कि जैसा आपका रियलिज्म टर्म आता है, और यहां पर क्रिटिकल रियलिज्म टर्म आता है, ठीक है। सो रियलिज्म शब्द का मतलब जो चीज मुझे दिखाई दे रही है वो वैसे ही सच है, हम ये मान लेते हैं, उसमें अज्यूम कर लेते हैं। तो मतलब जैसे अगर आपको मैंने कहा कि ये ब्लैक है, तो इसका मतलब पक्का ये ब्लैक है। मैंने कहा व्हाइट है, तो पक्का व्हाइट है, ठीक है, इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। जो चीज़ जैसे कही गई है वैसे ही आ रही है, तो हम कहीं ना कहीं इसको पॉजिटिविज्म के साथ लिंक कर सकते हैं। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या है कि रियलिज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म के जैसा आपका टर्म आ जाता है यहाँ पर क्रिटिकल रियलिज्म, ये भी एक सिद्धांत है, ठीक है। सो क्रिटिकल रियलिज्म वाले कहते हैं कि अगर ये चेस भी खेल रहा है और इसमें ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ये जो भी चाल खेल रहा है, तो अगर ये ब्लैक है और ये वाला हिस्सा व्हाइट है, तो जरूर इसके इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ग्रे एरिया होगा। अगर मैं पानी पी रही हूँ, तो जरूर आपने पानी नहीं, हो सकता है स्प्राइट भी हो सकती है, हमें दिखाई नहीं रहा, हो सकता है नारियल पानी भी हो सकता है, हमें दिखाई नहीं रहा, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल की क्रिटिकल रियलिज्म, इज दिस क्लियर जी। सो ये दोनों एक तरीके से सिमिलर कॉन्टेक्स्ट को बताते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि पोस्ट पॉजिटिविज्म के जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म भी है और इंटरप्रेटिविज्म भी है, ठीक है, और वही पॉजिटिविज्म के जैसे कहीं ना कहीं रियलिज्म भी है। टर्म ऐसा मैंने ये नहीं बोला बिल्कुल भी कि पॉजिटिविज्म इज इक्वल टू रियलिज्म, नो। रियलिज्म मतलब वट एवर इज रियलिटी रियल, लेकिन क्रिटिकल वाले कुछ तो गड़बड़ है दया, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने जस्ट लिंक करके समझाया आपको, आई होप दिस इज क्लियर, वेरी गुड एवरीवन, ताकि जल्दी समझ में आ जाए आपको, ठीक है। ओके, तो ये सब क्या हो गए, क्या समझाए ये सारे मैंने, रिसर्च पैराडाइम्स कि हम किस पर्टिकुलर संदर्भ में आप काम कर रहे हो। एक और बचा है हमारा प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म बेस्ड जो रिसर्च होती है, ये हमारी जो रिसर्च होती है कहीं ना कहीं ये इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों का मिक्सचर हो सकती है, ठीक है, मिक्स ऑफ बोथ। एक्चुअली मैं प्रैग्मेटिज्म के सिद्धांत के ऊपर मैं भी काम कर रही हूँ अपनी पीएचडी के अंदर, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के हिसाब से देखो, तो इसका मतलब क्या था, लर्निंग बाय डूइंग, राइट। तो ये दोनों सिद्धांतों को ले रही कि मैं सीखूंगा भी और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करके भी देखूंगा। तो हम कहीं ना कहीं मिक्स मैथड्स का यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव दोनों के मैथड्स का ही यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम उन सिद्धांतों को पहले सीखें, समझें,
और फिर उसको किसी रियल लाइफ में सिचुएशन में लगा के देखें कि क्या वाकई में वो टेस्ट होकर रिजल्ट सही दे रहे हैं। तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों करके हम अपने इंफॉर्मेशन को, कंक्लूजन को क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, श्योर हो जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड जी। तो इसलिए यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म का भी कंसेप्ट है जो कि रियलिटी एक्चुअलिटी को बताता है। 24 घंटे वाली मैराथन की ही तैयारी हो रही है, ठीक है। हाँ, तो ये सारे क्लासेस जो मैं करा रही हूँ अलग अलग मैराथन्स, इन सब को इकट्ठा करके 24 घंटे वाली मैराथन भी बन जाएगी। अब समझ में? अच्छा, एक सेकेंड। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, मैं आऊंगी मेथड्स की तरफ, लेकिन आज मैं थोड़े अलग तरीके से आ रही हूँ, ठीक है। इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड एबडक्टिव रिसर्च को, ठीक है। सो जो इंडक्टिव होती है वो क्या होती है? हाँ जी, ट्रेनिंग पे कहाँ आ गई आयुषी, मैं तो रिसर्च पढ़ा रही हूँ। इंडक्टिव रिसर्च का मतलब है जिसके अंदर कोई थ्योरी बनती है, थ्योरी क्रिएट करते हैं, कैसे, स्पेसिफिक चीजों से, ठीक है, स्पेसिफिक लेवल पे कुछ सीखते हैं तो वो सारे यूनिट्स कराएंगे। हाँ जी, ऑफ कोर्स कराएंगे। और उसके बाद उन सब का क्या करते हैं, जैसे स्पेसिफिक में हमने बॉल उछाली और बार बार वो नीचे आ रही थी, ठीक है। बॉल का एग्जाम्पल हमने लिया, हमने एप्पल का एग्जाम्पल लिया, हमने पेन का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो ये क्या चीजें हैं, स्पेसिफिक, यानी कि जो मेरे से डायरेक्टली लिंक्ड हो रही है, जो मैं डायरेक्टली यूज करके देख रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब स्पेसिफिक चीजों से हर बार यही चेक किया कि ऊपर उछालने से वो नीचे ही आती है, तो फिर क्या होगा, फिर उस चीज का पैटर्न बनेगा, ठीक है। पैटर्न बनाने के बाद क्या होगा, उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे कि क्या ये सही है, क्या अब ये थ्योरी पूरे यूनिवर्स पर लागू कर दें। और वो बनाने के बाद आप एक्चुअली उसकी थ्योरी क्रिएट कर देंगे जो कि जनरल होगी, यूनिवर्सल होगी। अब आप ये कहोगे कि हाँ, इसको हर जगह लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली थ्योरी से लेकर, सॉरी, हम यहाँ स्टेप्स यहाँ से शुरू हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो बनेगी ना, ऐसे स्टेप्स यहाँ शुरू हुए, स्पेसिफिक से लेकर हम लोग पूरी थ्योरी क्रिएशन तक पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ दे दिया कि हर एक चीज दुनिया की जो ऊपर उछालेंगे वो डेफिनेटली नीचे आएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो क्या वाकई में हर चीज पे काम करती है? ये हॉट एयर बलून पे काम क्यों नहीं करती है, ये हीलियम बलून पे काम क्यों नहीं करती है, एरोप्लेन कैसे इस ग्रेविटी को चकमा दे पा रहा है, उसका क्या रीजन है? कुछ रीजन है कि ग्रेविटी को मात भी दी जा सकती है, ये अंतरिक्ष में काम क्यों नहीं करती? तो इसका मतलब कि मैंने ओवरऑल तो बता दिया, लेकिन वो ओवरऑल 100% श्योर नहीं है, उसके ऊपर टेस्टिंग करनी बाकी है। तो जब हम इसकी टेस्टिंग करने आ जाएंगे तो हम लोगों को एक तरीके से यहाँ पर टेस्टिंग करना होता है। तो इसका स्टेप चालू हो जाता है कि मेरे पास थ्योरी अब ऑलरेडी है, ठीक है, थ्योरी मेरे पास ऑलरेडी है, जनरल फैक्ट है कि हर बार कोई भी चीज अगर ऊपर उछाली जाए तो वो नीचे आती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ये मेरे पास थ्योरी है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम जिसमें उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे कि क्या जो मेरी प्रॉब्लम है वो इस थ्योरी की हेल्प से सॉल्व हो जाएगी। ऐसा उसके बाद हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप लोग उसका पैटर्न चेक करेंगे और अपने स्पेसिफिक जहां पर आपको दिक्कत आ रही है उस चीज को टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम नहीं होती है और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ तो वो स्पेसिफिक आ गया ना जी। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने बोला सब कुछ ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ खींचा चला आता है, तो अब मैं एक फोन को उछाल के फेंक के देख लूँ तो मैं कहूँगी कि इट इज़ वर्किंग ऑन द फोन। मैं रिमोट पर चेक करूँ तो रिमोट पर काम कर रही है, मैं बुक पर चेक करूँगी तो ये बुक पर काम कर रही है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर फिर उसका एक एक चीज पर 100% श्योरिटी आ जाएगी। क्या अब मैंने एक बुक पे चेक किया कि यस बुक पे काम कर रही है कि नहीं, तो यही सेम बुक आस्था ऊपर से ट्राई मारे रिलीज करने के लिए,
और सुरभि करे, नंदनी करे, मोनिका करे, ज्योग्राफी करे, ऋतु करे, शेख करे, तो बताओ क्या हर बार सेम रिजल्ट आएगा? यस, क्योंकि ये मैं स्पेसिफिक के ऊपर चेक कर चुकी हूँ पक्का। तो यहाँ पर श्योरिटी होती है, हम 100% रिजिड हो जाते हैं, इसी चीज को रिजिडिटी बोलते हैं। ठीक है, आई समझ, हम 100% श्योर हो जाते हैं। हेलो, वही आप कह रहे हो हॉट एयर बलून के ऊपर चेक करेंगे, तो मैंने चेक किया हॉट एयर बलून के ऊपर, अरे यार वो तो नीचे आ ही नहीं रहा, उसके ऊपर तो ग्रेविटी काम कर ही नहीं रही, तो इसका मतलब अब कोई भी बंदा चेक करे तो वाकई में उसमें ग्रेविटी काम नहीं करेगी, क्योंकि वो हॉट एयर बलून है, उसमें ऐसी टेक्निक डाल रखी है। तो हम वहां पर भी श्योर हो गए कि ये उस पर काम नहीं कर रही, हम यहाँ श्योर हो गए कि इस पर काम कर रही है, हम वहां श्योर हो गए कि उस पर काम नहीं कर रही है। ठीक है, कन्फर्मेशन दोनों जगह मिलेगी अपने को। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। एंड व्हाट इज एबडक्टिव? एबडक्टिव इन दोनों का मिक्सचर होता है। जब हम मिक्स मेथड्स को यूज करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रायंगुलेशन लगाते हैं, तो उसको हम एबडक्टिव कह सकते हैं। ट्रायंगुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को मिक्स करके लगाया जा सकता है, जैसे कि प्रैग्मेटिज्म मैंने बोला, ठीक है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड, इम्पेरिको इंडक्टिव मेथड, ये सारे एबडक्टिव में आ जाते हैं। तो इसके अंदर हमने बोला श्योरिटी नहीं होती, नॉट श्योर, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, प्लॉजिबिलिटी, शायद, शायद, ठीक है, लेकिन इसमें श्योर होते हैं हम 100%, इसमें मैक्सिमम गैस वर्क होता है, सीधा गैस मार दिया अपने, ठीक है, बहुत बढ़िया शिवानी सुरभि, तो इसमें मैक्सिमम गैस वर्क होता है, यानी कि ये इन दोनों से काफी हद तक हमने एक तीर मारा है, जो शायद लग जाए तो लग जाए, ठीक है, ऐसा मिक्स मेथड्स का हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं। कहीं ना कहीं मिक्स मेथड अच्छे भी होते हैं, क्योंकि अलग अलग मेथड्स अगर हमारे वाकई में सेम रिजल्ट आया तो वहाँ पर हम रिलायबिलिटी या कंसिस्टेंसी भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सारे टाइप के मेथड्स हैं। जब मैंने ये समझा कि मुझे किस प्रकार के सिद्धांत को फॉलो करना है, पैराडाइम को फॉलो करना है, तो मैंने किस किस में देखा, पॉजिटिविज्म, रियलिज्म, क्रिटिकल रियलिज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म। फिर उसके अंदर मैंने ये समझा कि ठीक है, मैं पोस्ट पॉजिटिविज्म को फॉलो कर रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, इंडक्टिव। पॉजिटिविज्म को फॉलो कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं डिडक्टिव टाइप के मेथड्स आ जाएंगे, और अगर मैं चाहती हूँ इन दोनों को फॉलो कर लिया जाए तो अबडक्टिव टाइप के मेथड्स आ जाएंगे। फिर मैं ये सोचूंगी कि यार इंडक्टिव क्या है, तो ये किस प्रकार की होगी, ये क्वालिटेटिव होगी कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव होगी। ठीक है, फिर जब ये सोचा तो अपने को समझ में आया कि ऐसी वाली रिसर्च तो क्वालिटेटिव होगी, ये वाली रिसर्च क्वांटिटेटिव होगी, और मिक्स्ड वाली रिसर्च कैसी होगी, मिक्स्ड होगी, ये तो मैंने लिख ही दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैथडोलॉजी चॉइस, ये हो गई मैथडोलॉजी उस पूरी रिसर्च की, कि इसकी मैथडोलॉजी क्या है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड, तो ये मैथडोलॉजी हो गई। मैथडोलॉजी चूज करने के बाद मुझे क्या चूज करना है, कि इसमें अब मैं कौन सा मेथड यूज करूंगी, मैथडोलॉजी के अंदर मेथड आएंगे, वो मेथड हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, डिस्क्रिप्टिव, एक्शन, अभी थोड़ी देर में आएंगे, उसको थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत टाइम लेगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे टाइम होराइजन, कि जो रिसर्च है वो क्रॉस सेक्शन करनी है, अभी इस वक्त करनी है, या लंबे समय तक लॉन्गिट्यूडनल करनी है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन चालू करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, डाटा कलेक्शन करके उसका एनालिसिस कर देंगे। तो ये पूरा फुल प्रोसेस है जो कि शॉन्डर्स ने दिया है। ठीक है जी, और इसके सारे के सारे कंसेप्ट नोट्स वोट्स पढ़ने हैं तो ये कंसेप्ट बुक में दे रखी, ठीक है, ये शॉन्डर्स का डायग्राम भी दे रखा है। अभी बाकी आप आइए इसके आगे। नाउ वी कैन टॉक अबाउट मैथड्स ऑफ रिसर्च इन डिटेल। मैथड्स, ठीक है, मैथड्स में सबसे सिंपल सा मैथड आपके पास आ जाता है कि अगर मुझे कुछ नया नहीं रिलीज करना निकालना है तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है, न्यू नॉलेज गेन कर रहे हो, और न्यू थ्योरी बनाते हैं, ठीक है, तो ये सब आपका फंडामेंटल रिसर्च में होता है। मेरे पास
आने वाली है, ठीक है। सो फिर आपके थोड़ा बहुत भाग रहे हैं आगे, अभी हम फंडामेंटल कर रहे हैं। सो फंडामेंटल रिसर्च कैसी होती है बताइए, पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास अभी बाकी है मेरे दोस्त, धीरे धीरे होंगी चीज़ें। ये आपकी क्वालिटेटिव होती है। फंडामेंटल रिसर्च अलग अलग मेथड से की जा सकती है। एक्चुअली फंडामेंटल रिसर्च खुद क्वालिटेटिव है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेरिमेंट का यूज़ कर सकती हूँ इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्राउंडेड थ्योरी मेथड का यूज़ कर सकती हूँ। तो फंडामेंटल को करने के लिए ही हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ग्रैंड थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग एक्सपेरिमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी तब यूज करते हैं जब मुझे बिल्कुल बेसिक ग्राउंड लेवल से चलना हो, ठीक है, बेस से चलना हो, क्योंकि मुझे उस टॉपिक का बिल्कुल अंदाजा है ही नहीं कि वो है क्या, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो हम कहेंगे कि ग्राउंडेड थ्योरी से चल रहे हैं, ठीक है। देन जो ग्रैंड थ्योरी है इसके अंदर क्या होता है, पूरे सोशल लेवल पे, बड़े लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, तो नाम में लिखा हुआ है ग्रैंड, ठीक है। तो सोशल लेवल पे, जो बड़े लेवल पे जब पूरी रिसर्च की जाती है, काफ़ी बड़ी सोसाइटी को अफेक्ट करने वाली है, तब उसको कहते हैं ग्रैंड थ्योरी, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट हम तब करते हैं, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है वो थोड़े अलग प्रकार के हो रहे हैं, क्योंकि ये न्यू थ्योरी हमने बनानी है, ठीक है। तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं ट्रायल एंड एरर वाले। ट्रायल एंड एरर का मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, अरे इस फिर तो विस्फोट हो गया, ये एक्सपेरिमेंट किया ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, फिर दोबारा अलग कॉम्बिनेशन से एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ रिजल्ट निकल के आया, फिर किया तो वो रिजल्ट इंप्रूव हुआ, फिर एक्सपेरिमेंट किया तो भी रिजल्ट सेम आने लग रहा है, इसका मतलब भाई यहाँ मैं कामयाब हो रही हूँ, तो मैं ये थ्योरी दे देती हूँ ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा। मतलब बार 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 ऐसे ट्राई मारेंगे तो एक ना एक बार ही कामयाब हो जाएंगे, तो फिर वो थ्योरी हम दे देंगे कि एक्सपेरिमेंट ये वाला ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो रहा है। फंडामेंटल का मतलब जीरो से शुरू होकर आगे चलना। अच्छा, फंडामेंटल में ग्राउंडेड थ्योरी की बात छिड़ी थी तो फिर ग्राउंडेड थ्योरी किसने थी, ग्लेजर स्ट्रॉस ने, ठीक है। और ग्राउंडेड थ्योरी कैसे बनती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, छोटे छोटे क्लू मिलेंगे मुझे, क्लू का मतलब हिंट, फिर उसके बाद उन क्लूज की लाइन लगा देंगे, लिस्ट बना देंगे, फिर क्या करेंगे, कैटेगरीज बनाएंगे। अब डिफरेंट मैंने कैटेगरी बनाई, जैसे कि मुझे थोड़े से क्लू मिले, कुछ बताते हैं करेक्टरिस्टिक्स टीचर की, कुछ बताते हैं उसके लेवल, कुछ बताते हैं उसके मेथड्स, कुछ बताते हैं कुछ, तो मैंने कैटेगरी बना दी। फिर जो क्लू जिस कैटेगरी से बिलोंग करा था मैंने वहां वहां डाल दिया, ठीक है। तो मैंने उनको असाइन कर दिया अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, फिर उसके रिलेशन के हिसाब से हम लोग एक नई थ्योरी बता देते हैं। तो ये एक तरीके से स्टेप्स हैं आपके, ठीक है। क्लू या कोड, बिल्कुल, हम जो PhD में करते हैं वो कौन सी रिसर्च है सोनिया, वो तो आप बताएंगे ना आपने टॉपिक क्या लिया है, ठीक है। आप क्वालिटी भी कर सकते हैं, क्वांटिटी भी कर सकते हैं, मिक्स भी कर सकते हैं। मैं ऐसे कैसे बता दूँ कि सब बच्चे PhD में यही वाली करेंगे, ठीक है। वो तो पर्सन टू पर्सन आपके रिसर्च थीसिस के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो ग्रैंड थ्योरी रिट मिल ने दी है, ठीक है। तो ये सोसाइटी एट लार्ज पे अगर हम जो काम कर रहे थे उसके ऊपर, तो उसे हम कहते हैं फिर ग्रैंड थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गई बातें। नाउ वी कैन कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। फंडामेंटल हो गया, ठीक है। अब हम बात करना चाहेंगे अप्लाइड रिसर्च की। फंडामेंटल क्वालिटेटिव थी, ठीक है, और जो अप्लाइड रिसर्च है वो जो फंडामेंटल में अपने थ्योरी बनाई थी वो थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होगी। अप्लाई थ्योरी और फंडामेंटल रिसर्च, जी अप्लाई करते हैं थ्योरी फंडामेंटल रिसर्च के साथ, ठीक है। जो और अप्लाई थ्योरी और फंडामेंटल रिसर्च, जो फंडामेंटल में क्या था ना उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो इधर ये भी कह सकते हैं टेक्निकल एप्लीकेशन होता है ऑफ थ्योरी। अगर मैंने ये बोला कि B.F. स्किनर की थ्योरी क्या है, आप बताएंगे B.F. स्किनर ने एक जो थ्योरी दी थी वो क्या थी, वो फंडामेंटल रिसर्च थी, ठीक है।
अब मैं एज अ टीचर बी एफ स्किनर की थ्योरी को आपकी क्लास में अप्लाई कर रही हूँ, तो क्या है ये अप्लाइड रिसर्च है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जब भी क्वेश्चन ने बोल दिया कि पावलोव ने थ्योरी दी, तो बताओ उसने कौन सी रिसर्च करी, कौन सी करी, फंडामेंटल। मैंने बोला कि यू एज अ टीचर अप्लाइंग दैट पावलोव्स थ्योरी, आप एज अ टीचर उस थ्योरी को लगा रहे हो, तो क्या बताएंगे, जवाब दो मुझे कमेंट में, ठीक है। और सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि आप जो यहाँ पर टेंशन में हो कि मैम सारे के सारे यूनिट होंगे, है ना, या फिर आप पूरा पढ़ाओगे कि नहीं, तो आप इस चीज़ को अपने जहन में डाल लीजिए आज के बाद कि JRF का मतलब नव क्लासेस, ठीक है। क्योंकि हर घर नव लर्नर, हर घर JRF, और हर एक व्यक्ति के साथ भी शेयर कीजिए कि यहाँ पर आपके फ्री क्लासेस में भी मैं सारे के सारे यूनिट रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। अगर आप नव क्लासेस का पेड लेते हैं तो बहुत ही डिटेल में अच्छे से चीज़ें और ज़्यादा कंसेप्ट वाइज क्लियर होंगी, फिर आपके अंदर बिल्कुल बस जाएगी चीज़। और ऐसे ही आप के साथ हर प्रकार के सॉल्यूशंस मेरे पास है, चाहे वो फ्री क्लासेस हो चाहे पेड क्लासेस हो, हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ ही सकता है, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च आंसर बिल्कुल करेक्ट। चलिए, अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल की थ्योरी को यहाँ पर लागू करके देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई ब्रॉड प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, बड़े लेवल की प्रॉब्लम आ गई, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, उसको सॉल्यूशन लेते हैं। तो जब हम ब्रॉड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं या सॉल्व करते हैं, तो हम उसको कहेंगे अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, अब मुझे ये बताइए क्या ये पॉलिसी सिर्फ अक्षु के लिए थी, रूपल के लिए थी, ट्विंकल के लिए थी, या फिर पूरी एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो ये बड़ी है ना प्रॉब्लम कि पूरा एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ा करना है, तो उसके लिए जो सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं वो क्या है, आपका अप्लाइड रिसर्च। इज दिस क्लियर? कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन निकालना इज अप्लाइड रिसर्च, अंडरस्टूड? हाँ, मॉर्निंग में क्या पढ़ा रहे हो, कल नव क्लासेस में नया यूनिट स्टार्ट होने वाला, रिसर्च एटीट्यूड, टीचिंग एटीट्यूड हो गया है, ठीक है। तो अभी भी आपको अगर कोर्स लेना चाहते हो पेपर 1 का, तो ले सकते हो मात्र 3500 के अंदर, जिससे कि आपका तैयारी हो जाए। टीचिंग के रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगी, अब रिसर्च से आपकी लाइव होंगी, और लाइव के बाद उनकी भी रिकॉर्डेड अवेलेबल हो सकती है। तो बेटर है स्टार्ट योर जर्नी राइट नाउ। खुश, कल हमारी रिसर्च एटीट्यूड की पहली क्लास है, नव क्लासेस प्लस में। देखिए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आ गया। वहीं अगर कोई लोकल या फिर स्मॉल लेवल या इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम है, तो तब हम जो यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन के लिए एक्शन रिसर्च। ये जो अप्लाइड रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च दो प्रकार की होती है, एक एक्शन और एक इवैल्यूएशन, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च दो प्रकार की है, क्योंकि हम किसी और को पेपर 2 का टाइम, मैं पेपर 2 किस टाइम कराती हूँ, नव क्लासेस प्लस के कोर्स के अंदर पेपर 2 में 9 बजे से 11 बजे तक कराती हूँ, ठीक है। सो जो अप्लाइड रिसर्च है, ये खुद क्वांटिटेटिव है, क्योंकि हम टेक्निकल एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन एक्शन रिसर्च क्वालिटेटिव है, क्योंकि लोकल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। एक्शन रिसर्च कर्ट लुईन ने दी थी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, इस चीज को मैं समझाती हूँ जरा, एक्शन रिसर्च को और अप्लाइड रिसर्च को, आज अब इन दोनों में ही डिफरेंस समझ लेते हैं। जो अप्लाइड रिसर्च है ये कौन है, क्वांटिटेटिव। एक्शन रिसर्च क्वालिटेटिव, ये बिग है, ब्रॉड लेवल पे लगती है, ठीक है। ये स्मॉल लेवल पे लगती है, यानी कि लोकल लेवल पे लगती है। एग्जाम्पल के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाना, अब एग्जाम्पल के लिए हमारे JRF की भाग तोड़। आप मेरे को एक बार बताइए कि मेरी प्रॉब्लम या आरती की प्रॉब्लम या शिवानी की प्रॉब्लम क्या है, कि भाई JRF नहीं हुआ, मुझे JRF निकालना है दिसंबर में, राइट? ये लोकल प्रॉब्लम है। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैंने बैठ के शिवानी की प्रॉब्लम सुनी पूरी और उसकी अगर सॉल्व करी,
तो क्या वही सेम आंसर मैं आयुषी को भी दे दूँ, रोय को भी दे दूँ कि भाई तुम भी कॉपी पेस्ट कर लो उसका सॉल्यूशन? कर सकते हो नहीं, क्योंकि शिवानी को कुछ और इश्यूज हो सकते हैं पर्सनल लाइफ में जिसकी वजह से नहीं हो रहा, या फिर उसके अंदर खुद के अंदर, और रॉय को कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, राइट, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि हम लोग जो एक्शन रिसर्च के अंदर किसी व्यक्तिगत इशू को सॉल्व करते हैं या छोटे लेवल के इशू को सॉल्व करते हैं, वो पूरी दुनिया पे नहीं लागू हो सकते। लेकिन जब हम अप्लाइड रिसर्च में बड़े लेवल पे इश्यूज को सॉल्व करते हैं, जैसे कि पूरे के पूरे इंडिया के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगाई गई, निकाली गई, वो एक्चुअली हर यूनिवर्सिटी हर इंस्टीट्यूशन पे लागू होगा, करना पड़ेगा, अंडरस्टूड? तो अप्लाइड रिसर्च को करने वाले खुद होते हैं एक्सपर्ट्स, और एक्शन रिसर्च को करने वाले होते हैं प्रैक्टिशनर, जो खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या आप खुद इस जर्नी से निकल रहे हो? जेरफ होगी आपकी? नहीं ना, मेहनत कर रहे हो ना, भाग दौड़ में लगे पड़े हो ना, ठीक है? तो फिर एक्चुअली यू आर प्रैक्टिशनर, एंड धीरे धीरे जब आपका जेरफ हो जाएगा ना, तो आप बनोगे, विल बिकम एक्सपर्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आप एक्सपर्ट बाद में बनोगे, अभी हो नहीं, वहां ऑलरेडी एक्सपर्ट चाहिए। क्या एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाड़ियों ने निकाल दी? पूरी कमेटी बनी है, आचार्य रामामूर्ति की कमेटी बनी थी कभी, कस्तूरी रंजन की जी की कमेटी बनी, तो फिर ठीक है, बेस्ट क्लास, सब कुछ बेसिक से। हाँ बिल्कुल, अब आया समझ? तो ये ऑलरेडी एक्सपर्ट होगा, ये एक्सपर्ट बनेगा। तो इसलिए आप कहोगे कि ये जब आ रहा है तो हर एक पे सेम लागू होगा, तो यानी कि क्वांटिटेटिव डिडक्टिव टाइप, लेकिन ये हर एक पे सेम लागू नहीं होगा, तो क्वालिटेटिव इंडक्टिव टाइप, ठीक है? तो ये चीज़ें समझ में आ रही है आपको? जेआरएफ के कितने क्वेश्चन राइट करना होगा, क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और कट ऑफ कैसी आती है उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है? ऐसा आपका क्वेश्चन गलत है, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए क्या करना होगा, और आपको 100% के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? ताकि जितना हम सोचते हैं कहीं ना कहीं उससे थोड़े कम पे रह जाते हैं, या फिर हो सकता है उतना अचीव कर लें, लेकिन ज़्यादातर होता यही है कि उससे कम पे रह जाते हैं। तो मैं अगर कट ऑफ डिसाइड करूँगी कि मुझे यहाँ आना है, तो हो सकता है हम यहाँ पे आके पड़ जाएं और फिर हमारा जेआरएफ ना हो, ठीक है? तो मेक श्योर मुझे यहाँ कहीं आना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली अगर इससे कम भी मिला तो भी आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर ही लेंगे, फिर आपको कोई चिंता नहीं होगी। आप कट ऑफ के पीछे पड़े हैं तो कट ऑफ के पीछे भी रह सकते हैं, कट ऑफ के पीछे ही पड़े हो ना तुम, तो उसके पीछे भी रह सकते हैं। तो कृपया करके अपने क्वेश्चन चेंज करो कि मैं इससे कई गुना आगे कैसे निकल सकता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके आ सकता हूँ, ये प्रश्न करो। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आओगे तो हो सकता है आपके ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि ऑल इंडिया रैंक आ ही जाए, नहीं तो फिर कहीं तो आओगे, एकदम मर तो नहीं जाओगे, ठीक है? सिंपल। फ्री में जितना मेहनत करती है कोई और नहीं करता, बिल्कुल। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, ये टारगेट होना चाहिए। अपनी तरह से पूरी मेहनत करनी है कि मेरे सारे क्वेश्चन सही हो। तुम रास्ते में रोटक रहे हो तो रास्ता इधर से उधर भी जा सकता है, फिर तुम पहाड़ पे ही हो। प्लाटू कहते हैं ना, प्लाटू के इधर भी खाई उधर भी खाई, ठीक है? ये एंटी ने खुद क्वेश्चन दिया हुआ था पेपर में। अच्छा जी, जब हमने एक्शन रिसर्च के बारे में बात कर ली, फिर अप्लाइड रिसर्च का ही दूसरा कौन सा होता था? एक्शन रिसर्च और इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन रिसर्च क्या है? इवैल्यूएशन रिसर्च है जो ऑलरेडी हमने बेसिकली टारगेट निकाले हुए हैं। एक बहुत समझ आ गई, साइलेंट होकर ज्यादा समझ आता है, वेरी गुड, सही बात है, ठीक है? देखो इवैल्यूएशन में क्या है, एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग स्कीम निकाली, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड स्कीम निकाली, मतलब सबको बैंकिंग फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है? गवर्नमेंट ने सीड्स या उज्ज्वला स्कीम निकाली, चलो इनमें से कोई भी एक स्कीम आपको पता है?
कुछ भी एटलीस्ट मुझे लगता है कोई तो स्कीम पता होगी। तो ये जितने भी एक्शंस दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, स्कीम्स बनाई गई हैं, उनको इवैल्यूएट किए जा सकते हैं कि भाई आपने जो कार्य किया है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम ही, मतलब कोई भी बड़े लेवल पे कोई रूल लोगों किया गया, प्रोग्राम निकाला गया, तो उसको इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन करने में हमें क्या क्या सीखना होगा, यही कि वो चीज वाई लाई ही क्यों गई, ये फैमिली प्लानिंग स्कीम की जरूरत क्यों हुई। भाई इंडिया की जनसंख्या आज की डेट में नंबर वन पे हो गई है, ये भी ना करते तो शायद आज नहीं, आज से 10 साल पहले नंबर वन पे हो जाती। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि हर एक व्यक्ति को इंटरनेट आना चाहिए या बैंकिंग फैसिलिटी ले, वाई रीजन वाई एंड हाउ। अब इन सभी स्कीम्स को लागू कैसे करवाया गया, ठीक है। हाँ जी, इम्पॉसिबल मैम, सारा क्वेश्चन कभी राइट नहीं हो सकता, वो आपकी थिंकिंग है। मैंने ये नहीं बोला कि सारे क्वेश्चन राइट करके आओ, मैंने ये बोला कि टारगेट रख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन राइट हो, 100% का टारगेट रख सकते हैं। 100% तो मैंने भी नहीं बोला, क्योंकि हो सकता है एक आधा क्वेश्चन एनटीए गलत हो जाए, एक आधा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए, एक आधा क्वेश्चन हमारा ऐसा आए जो सिलेबस के बाहर आ गया। 100% अगेन योर डेफिनेशन इज रॉन्ग। 100% और 100% में डिफरेंस होता है, किस किस को पता है। आप अपने आप को ऑलरेडी नीचे ही आंक रहे हैं कि मेरा वो लेवल ही नहीं है, तो वो लेवल आप बनाएंगे, मैं तो नहीं बना सकती आपके अंदर, ठीक है। सो लिसन केयरफुली, वाई का मतलब कि ये चीज लाए क्यों, हाउ मतलब कैसे लेकर आए, व्हाट मतलब उस चीज से हुआ क्या, राइट। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर लेके आए जाते हैं कि उससे एक्चुअली रिजल्ट क्या निकल के आया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, सही करने ज्यादा से ज्यादा ये होता है उसका मतलब। जो बच्चा 100% लेता है वो 100 के 100 क्वेश्चन सही करके नहीं आता, ऐसा नहीं बोला उसने। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। 2 क्वेश्चन गलत होना लाजमी है, और मेरा ऐसे स्टूडेंट रहा है एक्चुअली जिसके 96 मार्क्स थे, वो गर्ल थी किरण भारद्वाज, जिसके 96 मार्क्स आए थे 100 में से, तो मतलब उसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन गलत हैं। वो 2 क्वेश्चन भी हो सकता है किसी रीज़न की वजह से गलत हो गए, कहीं ना कहीं मुझे पता है सिली मिस्टेक ही थी, गर्ल ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। और 90 मार्क्स तक बॉयज जा चुके हैं, बाकी देखते हैं कहाँ जाएंगे आप कहाँ वो करोगे अपने आप को स्टैंड। तो बेटा आप लाइट इवैल्यूएशन रिसर्च का मतलब समझा गया, कि जो भी प्रोग्राम्स बड़े लेवल पे लगाए जाते हैं उसमें ये चेक किया जाता है क्यों, कैसे और क्या उसका रिजल्ट आया, इस चीज़ को इवैल्यूएट करके उसके फाइनल आंसर निकाले जाते हैं, ठीक है जी। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स अपने हो गए। नेक्स्ट इज योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो अभी तक जो मैंने बताया आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, फंडामेंटल हो गया, फिर हमने अप्लाइड किया सिर्फ, और अप्लाइड के अंदर 2 भाग किए, दैट इज एक्शन रिसर्च एंड इवैल्यूएशन रिसर्च, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल लेके आ सकते हो। हाईएस्ट मार्क्स अभी इस तक 300 में से कितने आ चुके हैं, 268 तक आ चुके हैं। और अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ अपने सब्जेक्ट की, तो मेरे सब्जेक्ट में 248 तक आए हैं, जो 268 थे वो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स थे बट लेकर आ चुके हैं। अच्छा, तो फंडामेंटल एंड अब आपकी जो थिंकिंग है ना वो अच्छे लेवल तक जा रही है कि हाईएस्ट लेवल को बीट करना है, तो मतलब जैसे आप सोच रखोगे, जैसा आप अपना टारगेट रखोगे वैसा होने लग जाएगा, ठीक है। यस, मैंने बता दी कॉमर्स के अब तक के, मैं जब से देख रही हूँ 2014 से लेकर अब तक के आपके जो गए हैं वो 248 गए, उससे हाईएस्ट मेरे को दिखे नहीं। और 248 भी मेरा ही लगा ना, यशस्वी डूबे उसका मैंने इंटरव्यू भी लिया था, ठीक है, उसी के गए थे, जिसका शॉर्ट नाम दूसरा था, वो एक्चुअली ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसका IIT IIIT में भी PhD में भी एडमिशन हो गया था, बट ड्यू टू सम रीज़न उसको वहाँ से क्विट करके एक दूसरी यूनिवर्सिटी में अपना लेना पड़ा बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजंस, बट स्टिल ही गॉट दिस। आई अप्रिशिएट कि इतने बड़े लेवल पे वो आगे जा पाया। सो फंडामेंटल अप्लाइड, अब हम इसके आगे डिस्कस करना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव।
मनु नाम था उसका शॉर्ट नेम। हाँ, जैसे हमारी क्लास में एक अगस्तस है, इसका असली नाम कुछ और है, ऐसे ही वो क्लास में आता था मनु नाम से, लेकिन उसका असली नाम मुझे उसका रिजल्ट लाने के बाद पता चला, ये शशु डूबे, लेकिन मैंने उसका वो डाला है, इंटरव्यू डाला हुआ था। ठीक है, आइए डिस्क्रिप्टिव। उसका मैंने जब इंटरव्यू डाला था तब उसका ओनली नेट हुआ था, लेकिन उसके अगले टाइम में उसका 100% हुआ। ठीक है, हाँ जी बोलो। इस बार भी तो एक लड़की थी जिसके सबसे ज़्यादा 100% डायल थे। हाँ, इस बार भी थी, मैं नाम भूल गई हूँ, लेकिन थी। ठीक है, जिसके हस्बैंड ने और उसने दोनों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, तो वो निकल आई 100% डायल। देखो अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, जो कि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शंस होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो पास्ट रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी होती है ना, उन सभी रिसर्चेस को मिलाकर हम लोग स्टडी करते हैं, यानी कि इसका क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि रिसर्च की स्टडीज को पूरा अच्छे से समझना, पढ़ना, और उसके बाद हम लोग जो आजकल प्रेजेंट में चल रहा है उसको भी लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में कैसे, एग्जाम्पल के लिए अभी मैं देखो कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, या फिर अभी मैं देखो कि क्वेश्चनर भरवा लूँ, ऑब्जर्वेशन कर लूँ, ठीक है, इंटरव्यू ले लूँ, उनके हिसाब से इस चीज़ को और अपडेट कर दूँ, तो ये हो जाता है आपका प्रेजेंट। तो पास्ट में लिटरेचर रिव्यू करा और प्रेजेंट को भी देखा, और फिर उसके बेसिस पे एक पूरा लिटरेचर रिव्यू बेस्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पेपर लिख दिया या रिसर्च आर्टिकल लिख दिया, तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसके अंदर क्या होता है, पास्ट एंड प्रेजेंट, पहले क्या हो चुका है और अभी क्या चल रहा है, इसके साथ पब्लिश, हाँ पब्लिश भी करवा सकते हैं। तो जी ये कैसा है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव, ये भी क्वांटिटेटिव है, बट फंडामेंटल आपका क्वालिटेटिव, एक्शन आपका क्वालिटेटिव, भी छोटे लेवल पे लग रहा है, बट इवैल्यूएशन अगर हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी डाटा दिया है बिल्कुल सही दिया, उसमें कोई गलती नहीं है, चिटिंग विटिंग नहीं है, तो फिर हम इसको क्वांटी मान सकते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है कि डाटा कैसा अपने पास आया हुआ है उस प्रोग्राम से रिलेटेड, ज़्यादातर में मैं क्वांटी मान लेती हूँ। ठीक है, यस, करंट स्टेट बताते हैं उसकी, तो उसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। अब मैं इस स्लाइड को हटाने लगी हूँ, एक रिवाइज हो गया पिछला और अभी अगला भी आ चुका है। डिस्क्रिप्टिव के प्रकार करेंगे हम अगली स्लाइड में। डिस्क्रिप्टिव भी आपके अलग अलग प्रकार की होती है, डिस्क्रिप्टिव इज ऑल्सो डिफरेंट। जीरो से स्टार्ट करना है तो क्या करना होगा, बिल्कुल आपको जीरो से स्टार्ट करना है तो आप नव क्लासेस की ऐप डाउनलोड कीजिए, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो, और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें ORG कोड मेरा डाल देना, फिर आपकी उसमें नव क्लासेस ऐप खुल जाएगी। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो learn.navclasses.in वेबसाइट है, इससे आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर आप पेपर वन, अगर आपके पास पेपर टू कॉमर्स या मैनेजमेंट है तो नव क्लासेस ऐप में अपना कॉम्बो है, वो बेस्ट रहेगा। अगर आप पेपर वन ओनली लेना चाहते हो तो 3500 का मात्र इतने ही का ही आपका कोर्स है, जिसमें 4-5 क्लासेस हो चुके हैं, वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी। अब जो क्लासेस आने वाली है वो साथ साथ आप कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें बेसिक से पूरा फुल कवर करा रही हूँ, और वो कैसे कराऊंगी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पूरा भरोसा मेरे ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और सारे बच्चों को पढ़ा कर ऑल इंडिया रैंक तक पहुँचा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी लेके आ सकते हैं, आपका काम सिर्फ इतना है कि जो मैंने स्टडी करा दिया उसको स्टडी को रिवाइज करना, प्लस आपको MCQs पे MCQs सॉल्व करके प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है। समझ आ गई, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, आपको और कुछ बाहर नहीं जाना, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है नव क्लासेस आपके लिए, आपको इधर उधर दूसरे तीसरे YouTube चैनल्स को भी देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको श्योरिटी से कहती हूँ। आप आँख बंद के भरोसा करके पूरे के पूरे शिद्दत से लग जाइए, यू कैन डू इट। ठीक है, सो इस बार JRF लेकर रहेंगे। चलो आ जाओ अब डिस्क्रिप्टिव में, डिस्क्रिप्टिव आपके कैसी कैसी होती है, कासी, एक्सपेरिमेंट और एक्स पोस्ट फैक्टो, बेसिक से चलना है, एडवांस लेवल तक जाना है, तब भी आपके लिए नव क्लासेस बेस्ट है, और आपको बहुत ही किफायती अमाउंट में करवा रही हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से अफोर्डेबली मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं।
तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या आता है? कास्टी एक्सपेरिमेंट और एक्सपोज फैक्टो। हाँ जी, हाउ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कुड बी क्वांटिटेटिव, प्लीज एक्सप्लेन। आई हैव एक्सप्लेन कि इसमें साइंटिफिक स्टेप्स का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू कर रही हूँ तो उसमें सिस्टमैटिकली कर रही हूँ, उसमें भी पूरे रूल्स को फॉलो कर रखा है। अगर मैं बिब्लोमैट्रिक्स कर रही हूँ तो उसमें भी पूरे रूल्स को फॉलो किया हुआ है। तो मतलब लिटरेचर रिव्यू करने के भी तीन प्रकार होते हैं, सिस्टमैटिक, बिब्लोमैट्रिक एंड मेटा एनालिसिस। तो जिस भी तरीके से अगर आप जा रहे हो तो आप बहुत ही रूल्स के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप रिसर्च कर रहे हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेरा रिसर्च पेपर वाला भी कोर्स लेते हैं तो मैं आपको रिसर्च पेपर लिखना भी सिखाती हूँ, जिन्होंने लिया हुआ है, या प्रपोजल वाला नव क्लासेस ऐप के अंदर ही है। ठीक है, तो एक एक चीज, एक एक सॉफ्टवेयर वगैरह सिखाती भी उसमें अपने सामने बकायदा। तो इसको हम फिर पब्लिश भी करवाते हैं, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है साइंटिफिकली। तो इसलिए ये कौन है, क्वांटिटेटिव में आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसीलिए तो टेस्ट सीरीज के अंदर आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी दिए मैंने और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दिए हैं। ठीक है, अच्छा आइए। सो हम लोग कहाँ थे, एक्सपोज फैक्टो की तरफ और कासी। तो बेटा डिस्क्रिप्टिव अगर क्वांटिटेटिव है तो मैं यहाँ बता दूँ कि कासी भी क्वांटिटेटिव है, ये भी क्लियर कर दूँ, और ये भी क्लियर कर दूँ कि एक्सपोज फैक्टो भी क्वांटिटेटिव ही है। इज दिस क्लियर? अच्छा, सो कासी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। कासी शब्द का मतलब है आधा अधूरा। ठीक है, आधा। फिर ये क्वांटिटी कैसे हो गया? फिर इसमें क्या होता है भाई? इसमें एक्सपेरिमेंट के सारे गुण होते हैं एक को छोड़ के, यानी कि वो पूरा का पूरा फुल्ली रैंडम नहीं हो पाता। ठीक है, कासी एक्सपेरिमेंट है, आधा अधूरा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसमें छोटा सा गड़बड़ है। वो गड़बड़ ये है कि नॉट फुल्ली रैंडम। एग्जाम्पल, रैंडम शब्द का मतलब कि हर चीज का लेने का और ना लेने का इक्वल चांस होना चाहिए, तो इसमें एक्चुअली इक्वल चांस फिर नहीं हो पाता है। ठीक है, सो ये फुल्ली लिखा है। सो बेसिकली इसका एग्जाम्पल ये हो गया कि मान लो इंडिया में बहुत सारे लोग आते हैं बाहर फॉरन से। ठीक है, ये आई, लेकिन उसमें एरोप्लेन से कौन आया, एयरप्लेन से, ट्रेन से कौन आया, बॉर्डर से ऑफिशियली कौन आया। ठीक है, तो वो सब चेक किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग छुपके से कौन आए, चोरी छुपे, क्या कह सकती हूँ मैं, हाइड एंड सीक खेलते हुए कौन आए। ठीक है, और चीटिंग करके कौन आए, जिसका ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर बताइए कि ऐसे क्या होगा, इस चीज़ को क्या मैं ऑफिशियली फाइंड कर पाऊंगी कि चीटिंग करके कौन आया है? नहीं फाइंड कर पाएंगे ना। तो इसके अंदर मनगढ़ंत डाटा ही डालना पड़ेगा। मैं ये मान लेती हूँ कि टोटल ओवरऑल में से 5% ऐसे लोग होते होंगे जो कि दीवार लांग के आ जाते हैं, या फिर 2% ऐसे लोग होंगे जो कि दीवार लांग के आते हैं। ठीक है, तो 5% लगाना है कि 2% लगाना है, ये मेरा सब्जेक्टिव डिसीजन है, यानी कि मेरा मनगढ़ंत डिसीजन है। तो इसलिए यहाँ पर ये इधर तो रैंडम है, लेकिन जहां मैं पहुंच ही नहीं सकती, इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच, ये मेरी मेरे दायरे के बिल्कुल ही बाहर है, तो मैं वहां पर थोड़ा बहुत अज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल अच्छी है, गड़बड़ का है, लेकिन यहाँ तो पहुंचना है ही वैसे ही मुश्किल है। कितने पकड़ लोगे चोर को, कितने ही पकड़ लोगे आप, फिर भी कोई ना कोई एक आधा रह सकता है। तो इसका मतलब कि यह आधा अधूरा हो गया, कास्ट एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। ठीक है, ओके, और वहां पर ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो किया है ना अपन ने, इसलिए। अब आते हैं यहाँ पर एक्सपोज फैक्टर के ऊपर। एक्सपोज फैक्टर क्या मतलब, वो क्या होता है, एक्सपोज फैक्टर का मतलब जिसमें आफ्टर द इफेक्ट देखा जाता है, किसी भी प्रभाव के बाद का। ठीक है, आफ्टर द इफेक्ट, तारों के नीचे से आ जाते हैं, करंट नहीं लगेगा, तारों में तो करंट होता है ना। अच्छा, इन एनी केस लोग लगवा भी लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं, जिसने आना है उसने आई जाना है। तो एक्सपोज फैक्टो में क्वांटिटेटिव होता है आफ्टर द इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, मिड डे मील, मिड डे मील स्टूडेंट्स को स्कूल में दी गई। ठीक है, और उस मील के बेसिस पे बच्चों ने क्या किया, बच्चों की हेल्थ अच्छी आई, बुरी आई, जो भी है,
अच्छा खाना दिया था कि बेकार खाना दिया था वो तो डिपेंड करता है, तो भाई उनकी हेल्थ इम्प्रूव या बेकार हुई होगी, ठीक है। सो मिड डे मील के हिसाब से ऐसी हुई, तो मुझे बताइए इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ की कमी होगी तभी एक्सपोज फैक्टर आएगा, एक्सपेरिमेंट में रैंडमनेस की कमी थी तो ये आया। अब यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं होता, कहाँ लिखो, नो मैनिपुलेशन, ठीक है। अब मैनिपुलेशन नहीं होता इसका क्या मतलब है, प्लीज रिप्लाई, आपके यूट्यूब क्लास सफिशियंट है फॉर दैट, मेरी यूट्यूब क्लास भी आप सफिशियंट कह सकते हो अगर आप साथ में मेरी बुक भी ले रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ से सिस्टमेटिकली सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, कंसेप्ट वाली बुक के अंदर सारे नोट्स सिस्टमेटिकली मिल जाएंगे और आपको पता होगा कि इसमें से ये टॉपिक करना है, या तो वो टॉपिक अगर मैंने यहाँ पर कवर कर लिया तो हो गया, नहीं तो एटलीस्ट आप उसको खुद से भी कवर कर सकते हैं, फिर आपको छूटेगा नहीं, ठीक है, यस, और आपको फिर कहीं और पे भटकना नहीं पड़ेगा, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। आइए, सो आफ्टर द इफेक्ट यानी कि मिड डे मील में नो मैनिपुलेशन, कोई भी चेंजेस नहीं कर पाते, कैसे नहीं कर पाते मुझे बताइए, इसको मिड डे मील दे दी, इसके अंदर खाना चला गया, इसकी हेल्थ आ गई अच्छा या बुरा, ठीक है, ऐसे मैम बहुत अच्छा डायग्राम से बताती है, बिल्कुल सही बात है, मेरी बात सुनो यार, इसकी हेल्थ जो भी होनी थी अच्छी हो गई कि बुरी हो गई, हो गई, अब मैं क्या जाके उसकी मील को चेंज कर सकती हूँ, उसके पेट में जाके गुड़गुड़ कर सकती हूँ, कैसे कर लूंगी, क्या मैं उसकी हेल्थ अच्छी बुरी कर सकती हूँ, वो तो हो गई ना, तो फिर इसका मतलब चेंज मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, यानी कि नो चेंजेस विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, समझ आई, तो इसलिए ये एक्सपोज फैक्टर है, ओके। अब हम आगे जाना चाहेंगे, इतनी बात हो गई एक्सपेरिमेंट, तो भाई एक्सपेरिमेंट क्या है, ये भी तो कर रहे थे, वही रह गया अपना, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, सही बात है, किसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, मैनिपुलेट नहीं कर पाते इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, मैं वो कह रही थी, अरे तो पूरा ड्रामेबाजी आई हुई है क्लास में। एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट सबसे अच्छी रिसर्च मानी गई है, डिडक्टिव टाइप की रिसर्च मानी गई है, ठीक है, अब सारे पॉइंट्स मौजूद होंगे तो ये एक्सपेरिमेंट कराएगी, नहीं तो वो क्या बन जाएगी, वो डिस्क्रिप्टिव बन जाएगी, वो कासी बन सकती है, वो एक्सपोज फैक्टर बन सकती है, ठीक है, ऐसी। आइए यहाँ पर, मेरी बुक जो है वो इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है, और उसके अलावा अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो फिर समझना चाहते हैं हर एक चीज़ डिटेल में, तो आप मेरी पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, बुक अंग्रेजी मीडियम में है, बुक के अंदर एक कोड होता है जिससे 5 या 6 रुपये में आप इसकी हिंदी की ई बुक अनलॉक कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो बेटर है पेपर बैक बुक ले लीजिए, और अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती हिंदी आती है तो फिर ई बुक आपकी नव क्लासेस ऐप के अंदर बुक वाले कॉलम में अवेलेबल है, ठीक है, मैम बीच बीच में ऐड आ जाती है, मैं त्रिंडाली, ये यूट्यूब भी ना बहुत पैसे कमाता है, क्योंकि YouTube ने वो भी तो ऑप्शन दिया हुआ है नो ऐड वाला, नो ऐड के लिए YouTube को पैसे भर के दो, हाँ अब हम पैसे नहीं ले रहे तो ऐड आ रही है। एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, एक्सपेरिमेंट में रैंडम का क्या मतलब है कि रैंडमली आप इस चीज को ले सकते हैं, हाँ जी बोलो, मैनिपुलेशन इन, अरे भाई रुको इतनी आगे तो मैं गई नहीं, मैं तो रैंडम पे हूँ, रैंडम मतलब एवरी थिंग या कुछ भी जो भी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल चांस, टू बी चूजन एंड नॉट चूजन, एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो वो जो कॉइन को अगर हमने टॉस किया है तो वो जो टॉस है, हाँ जी, उससे आंसर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो ये हो गया अनबायस्ड कॉइन यानी कि रैंडम, रैंडम यानी कि अनबायस्ड, इसमें कोई चीटिंग नहीं कर रखी, ठीक है, नो सब्जेक्टिवनेस, सब्जेक्टिवनेस नहीं आनी चाहिए, नॉट बायसनेस, बायसनेस भी नहीं आनी चाहिए,
फिटिंग भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने इस क्वाइन में हेड एंड टेल की शर्त लगाई और आपने बोला टेल वाला मैं जीतूंगा, तो आपने हेड वाले हिस्से को जानबूझ के भारी कर दिया, भारी हैवी कर दिया, तो वो गिर के टेल ही दिखाएगा। तो इसका मतलब हमने उसके साथ झोल कर दिया, तो वो बायस्ड क्वाइन है, तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। क्लियर? क्या हो गया? पानी पी लूँ मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी पिछली वीडियो में एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि मैम आप बीच बीच में कुछ भी पिया ना करें क्योंकि मुझे इरिटेशन होती है। अब बताओ भाई, बीच में मैं क्या पीती हूँ? या तो पानी पीती हूँ या फिर मिल्क आता है बीच में वो पीती हूँ, उसकी वजह से सब कुछ मैं नीचे छोड़ गई हूँ। अब तुम देख लो तुम करते क्या हो। हाँ, सो क्या कह रहे हैं हम? रैंडम, अनबायस होना चाहिए और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और ये चीज सिंपल सी चीज है कि हम खा थोड़ी रहे हैं, मैं पिज्जा बर्गर थोड़ी खा रही हूँ ला के, ओहो तुम्हारे दिखा रही हूँ है, लाई नहीं हमें पानी आज। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि कॉज होता है, यानी कि जिसकी वजह से कोई चीज हो रही होती है, ठीक है, वो होता है कॉज। और जिसके ऊपर प्रभाव हो रहा होता है, ठीक है, अच्छा, वो होता है इफेक्ट। कुछ बच्चे ज्यादा ही उत्पटन, मतलब वही है वैसे, तुम कुछ तो लोग कहेंगे ये वो वाला ही सिद्धांत होता रहता है, ठीक है, अच्छा। कुछ भी कर लो, जितना मर्जी दुनिया भर का कुछ भी अच्छा कर लो ना, आपको बुराई करने वाले या उसमें कमियां निकालने वाले या किसी ना किसी तरीके से कुछ भी कहने वाले मिल ही जाएंगे, दैट्स इट। हाँ देखो जरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है कॉज, जिसकी वजह से कुछ हुआ होता है, ठीक है। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो उसका प्रभाव होता है उसको बोलते हैं इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि हाँ जो बादल है वो हैवी है, ठीक है, तो इसका मतलब अब बारिश आएगी, तो इसका मतलब बादल के आने के पीछे का कॉज क्या है? हैवी बारिश के आने का, रेन का कॉज क्या है? हैवी क्लाउड, ठीक है। तो इसकी वजह से ये चीज हो रही है, तो उसको बोलेंगे टीचर का टीचिंग स्टाइल की वजह से आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब पिज्जा भी खा सकते हो, ठीक है। सो ये चीज क्या हो गई? जिसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा है, तो उसको बोलते हैं कि कॉज इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज द प्रभाव, यानी कि इफेक्ट। इज दिस क्लियर? हाँ। सो भाई क्वेश्चन ये आता है एक्सपेरिमेंट में, अगर मुझे मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट शब्द का मतलब रीअरेंज करना, किसी चीज को आगे पीछे लगा लगा के देखना या फिर चेंजेस करना, ठीक है, बार बार चेंज कर करके देखना कि क्या हर बार टीचर के टीचिंग स्टाइल को मैं चेंज कर दूं, बेकार पढ़ाने वाला लगा दूं, अच्छा बना दूं या बहुत अच्छा कर दूं, उसके ऊपर से क्या लर्नर की प्रभाव चेंज होता है, होता है, होता है। तो यानी कि मैंने यहाँ पर मैनिपुलेट किसको किया? टीचर के टीचिंग स्टाइल को। तो इसमें क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस किए, ठीक है। हाँ जी, वही तो बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ। सो इसका मतलब कॉज को हम मैनिपुलेट करते हैं। किसको मैनिपुलेट करते हैं? कॉज को। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको कभी भी हम मैनिपुलेट नहीं करते, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंजेस नहीं करते, चेंजेस किसको करते हैं? कॉज को करते हैं, ठीक है, yes। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि एक्सपेरिमेंट में होनी चाहिए। क्वेश्चन लिख दो यहाँ पर, मैनिपुलेट किसको करना है या रीअरेंज किसको करना है? कॉज को, रीजन को, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है। तो ये सब होता है। आई होप दिस इज क्लियर। बिल्कुल। सो यहां तक हमें समझ में आ गया। अब इन्हीं में से जब रैंडम में से कमी थी वो क्या हो गया? कासी एक्सपेरिमेंट। जब मैनिपुलेशन की कमी थी तो वो एक्सपोस्पेक्टो हो गया, ठीक है ना। किसी का किसी चीज की कमी होती है तो वहां पर फिर वो डिस्क्रिप्टिव में चला जाता है, दैट्स इट। चलो भाई, एक्सपेरिमेंट भी हो गया। और कौन कौन सी थ्योरी बची है अपनी? नरेटिव। नरेटिव थ्योरी होती है जिसके अंदर हम क्रोनोलॉजिकली चलते हैं, यानी कि समय अनुसार चलते हैं, एज पर द टाइम पीरियड चलते हैं। कैसे?
एक बार की बात है, एक राजा था एक रानी थी, दोनों की शादी हो गई, दोनों की डेथ हो गई, काम कहानी खत्म। तो यानी कि हम लोग शुरू से चलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल चलते हैं और पूरी की पूरी स्टोरी सुनाते हैं। तो जब हम स्टोरी में हमें किसी चीज को बयान कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं नरेटिव। क्लियर हो गया, समझ में आ गया जी। एक और पॉइंट आता है अपने पास, सेजल राजा रानी का नाम था क्या, हीर राजा सिंह नहीं था, इथनोग्राफी। इथनो शब्द का मतलब है कल्चर, ठीक है। तो ऐसी स्टडी जो किसी कल्चर के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि मैं आपके बिलीफ सिस्टम को समझना चाहती हूँ कि आप लोग क्या बिलीव करते हो, क्या भरोसा करते हो, या फिर आप लोगों के कल्चर को समझना चाहती हूँ कि इस प्रकार के लोग जो, जैसे कि एग्जांपल के लिए बैंजो जो बजाते हैं वो वाले लोग किस नजरिए के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो ये हो गई इथनोग्राफी, ठीक है, किसी के कल्चर को अंडरस्टैंड करना, किसी के बिलीफ सिस्टम को अंडरस्टैंड करना। और एक और चीज, ये दोनों ही क्वालिटेटिव है, क्योंकि आपके बारे में मैं बोलूँ कि आपका कल्चर अच्छा है या बुरा है या ठीक ठीक है, ये बोलने वाली मैं कौन होती हूँ। और अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो हो सकता है किसी और को बुरा लग रहा हो, ठीक है। तो सब्जेक्टिवनेस कहीं ना कहीं आ जाती है, किसी चीज़ के बारे में जब समझ रही हूँ, अंडरस्टैंड कर रही हूँ, बिलीव कल्चर, ये सारे के सारे क्वालिटेटिव टाइप है, बिकॉज 100% श्योरिटी से हम बिल्कुल सटीक आंसर नहीं दे पाएंगे। भगवान है और वो एग्जैक्टली कौन है, इसका भी आंसर आज तक एग्जैक्टली तो निकला ही नहीं। हम अपने अपने बिलीव सिस्टम, अपने अपने कल्चर के हिसाब से अलग अलग मानते हैं, राइट। तो फिर ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव। नरेटिव भी क्या हो गया, क्वालिटेटिव, ठीक है। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट छूट गया हमारा, वो है एक्सप्लोरेटरी, और इसके बाद करेंगे हम हिस्टोरिकल। याद रखना, जो एक्सप्लोरेटरी है ये भी आपका क्वालिटेटिव है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चीजों को बहुत डिटेल में अंदर तक घुस के एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। इसको हम एक्शन बता दिया भाई, बता दिया एक्शन, इसको हम फिजिबिलिटी स्टडी भी कहते हैं। फिजिबिलिटी शब्द का मतलब कि क्या इस पे ये काम करने के योग्य है, योग्यता चेक कर रहे हैं, ठीक है, योग्यता चेक कर रहे हैं। लिखती भाई हिंदी कौन था, हिंदी वाला जिसकी हिंदी आती लिख देती हूँ। एक्सप्लोरेटरी में फिजिबिलिटी या फिर उसकी योग्यता को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लोर क्यों करते हैं, जब मैं किसी चीज की इनसाइट जानना चाहती हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अभी हमने पीएचडी करी नहीं है, अभी हम जस्ट पीएचडी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये पीएचडी किस प्रकार से होगी, या फिर इस पीएचडी में मुझे कैसा वाला टॉपिक लेना चाहिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एक्सप्लोर। उसके ऊपर थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू करके फिर हम क्या करते हैं, उस चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं, ये काम करना मेरे लिए सही है भी कि नहीं। जब मैंने ये सोचा कि ये मेरा टॉपिक होना चाहिए और मुझे ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से, तो इसका मतलब क्या मैंने पूरी रिसर्च कर ली, नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ यही देखा कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, सिर्फ इतना ही देखा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं से पनीर, पनीर का ले लेते हैं, ठीक है, पनीर या पीस या मिठाई ले लो तुम, जलेबी ले लो, ठीक है, या फिर स्वीट। जब हम किसी दुकान से मिठाई लेने जाते हैं तो वो पर्टिकुलर मिठाई को जस्ट एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि भाई वो मिठाई सही है कि नहीं, ताजी है कि नहीं, पनीर सही है कि नहीं। तो फिर इसके लिए हल्का सा टुकड़ा दुकानदार हमें देता है और हम वो खा के देखते हैं कि मुझे ठीक लग रहा है कि नहीं। तो यार क्या हमारा पेट भर गया, क्या हमने पूरा का पूरा पनीर खा लिया, नहीं, ठीक है, मिठाई भी पूरी नहीं खाई, हमने सिर्फ ये चेक के देखा कि मेरे स्वाद अनुसार है कि नहीं। तो इसका मतलब जस्ट उसको एक्सप्लोर किया था, ठीक है, उसको पूरा का पूरा नहीं खाया। आई होप दिस इज क्लियर। इन्वेस्टिगेट किस में आता है, जस्ट आइडिया दिया। तो यहाँ जब मुझे उसका जस्ट आइडिया आया, तो इसके अंदर हम ये तो कहते हैं कि हाउ, कैसे, वाई, क्या मुझे करना है कि नहीं, लेकिन उसका हाइपोथेसिस बनाते तो हैं, हाइपोथेसिस बनाते तो हैं, बट डू नॉट टेस्ट,
लेकिन उसको टेस्ट नहीं करते, यानी कि पूरा रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, पूरा रिजल्ट नहीं आता, सिर्फ टेस्ट देखते हैं। जैसे सैंपल है, नमूना है छोटा सा, पूरा सैंपलिंग भी नहीं है, ये हल्का फुल्का सा नमूना है, हो सकता है पनीर वाला छुपके से मेरा ध्यान उधर हो, मेरा ध्यान पैसे देने में हो, उसने दूसरा पनीर डाल दिया, हो सकता है उसने मुझे जो मिठाई खिलाई एक्चुअली उसने दूसरी मिठाई डाल दी, तो आंसर चेंज हो सकता है ना। इसी को पायलट टेस्टिंग भी बोलते हैं। पायलट टेस्टिंग क्यों? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पायलट लोग असली वाले जहाज में कभी भी अपनी टेस्टिंग नहीं करते, वो उससे पहले उसके जैसा सिमुलेशन क्रिएट करते हैं, माहौल क्रिएट करते हैं, उसमें देखते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी आ रही कि नहीं, फिर असली जहाज भी उनको बिठाया जाएगा। तो क्या हुआ, ठीक है, पायलट टेस्टिंग हो गई, अंडरस्टूड, फोकस ऑन द स्टडी, क्या हो गया इनको, स्वीट का मन कर रहा है, अच्छी बात है। मैम एक्सप्लोरेटरी मीन्स जैसे किसी चीज़ का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो पता लगता है कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो आगे भी प्राइस डिक्रीज होगा, ये आइडिया लगा रहे हैं हम, लेकिन पक्का पक्का प्राइस डिक्रीज होगा कि नहीं ये अभी श्योरिटी नहीं है, ठीक है, तो हमने जस्ट एक्सप्लोर किया, तो फाइनल रिजल्ट नहीं निकलता इसमें कभी भी, जब क्योंकि फाइनल रिजल्ट निकला ही नहीं इसलिए क्वालिटेटिव है, ठीक है, रिजल्ट नहीं आया, श्योरिटी नहीं हुई, तो क्वालिटेटिव है। अब हम सीखेंगे आपका हिस्टोग्राफ, क्या हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल ओनली पास्ट पे आधारित है, इज दिस क्लियर, हिस्टोरिकल सिर्फ और सिर्फ पास्ट पे आधारित है। ये क्या ही हो रहा है कमेंट में, किसका सर फोड़ रहे हो तुम, मेरा तो नहीं फोड़ रहे ना, फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कैसे। एनी केस, एग्जाम्पल के लिए पहले कोई व्यक्ति है अगर मान लो जिसने अब सुसाइड कर लिया है, ठीक है, तो हिस्टोरिक मतलब किसी ने सुसाइड कर लिया, अब वो व्यक्ति है अब नहीं है, ठीक है, इसको डेथ से आइडिया लगाया जा सकता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति अभी तो नहीं है ना, लेकिन उसे सुसाइड कर लिया, हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी डेथ क्यों हुई थी, अगेन वाई, कैसे हुई थी, हाउ, ऐसा क्या हुआ था उस समय में, तो यानी कि यहाँ पर हम सीआईडी बन जा रहे हैं एक तरीके से, उस केस के अंदर घुस गए हैं, तो ये कौन हो जाएगी, क्वालिटेटिव, ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च भी क्वालिटेटिव होगी। एक्सपोज फैक्टो के सिमिलर क्यों आएगी, ऊपर जो बच्चा बोल रहा है एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी क्वालिटेटिव है, एक्सपोज फैक्टो क्वांटिटेटिव है, एक्सपोज फैक्टो में रिजल्ट निकल के आ रहा है उसकी हेल्थ अच्छी या बुरी हो रही है, एक्सप्लोरेटरी में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, बस आपको टाइम सेव किया गया उसमें, हिस्टोरिकल क्वालिटेटिव है। एग्जाम्पल लेते हैं हम इजिप्टियन ममीज की, सो इजिप्टियन ममी में क्या हुआ, खोपड़ी है, ये उसकी दो आंखें हैं, ये उसकी नाक है और ये उसका मुंह है, ठीक है, तो हो क्या रहा है कि ये जो इतने सालों से उन्होंने खोपड़ियां जमा करके संभाल के रखी हुई है, गुमनाम है कोई किसको खबर, ये आज रात को आने हुई है सपने में, तो इसको मसाला लगा लगा के लपेट लपेट के बार बार रख दिया जाता है, ठीक है, फिर क्या होता है, बहुत सालों बाद उसी खोपड़ी को खोला जाता है और बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाल के फिर क्या होता है, फिर देखा जाएगा कि अब ये कैसी है, अब इसका टेक्सचर कैसा है, ठीक है, तो आप मुझे ये जवाब दीजिए कि क्या इसके अंदर मैनिपुलेशन की गई, बता दो मुझे, कैन वी चेंज, कैन वी मैनिपुलेट, यस मैनिपुलेशन की जा सकती है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई है तो इन द सेंस मैनिपुलेशन की जा सकती है। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, उसकी बॉडी आई, उसका पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम जब कर रहे हैं तो क्या उसकी बॉडी में चेंजेस किए जा रहे हैं, रीअरेंजेस किए जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि भाई उसने जहर खाया तो खाया कौन सा,
यस किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब मैनिपुलेशन पॉसिबल है। एक व्यक्ति मर गया, उसकी वसीयत आई, वसीयत में लिखा था कि इसमें से 20,000 रुपए मेरे कुत्ते को दे देना, डॉगी डॉगी। एक्चुअली उसको ये नहीं पता था कि एक्चुअली डॉगी भी नहीं रहा, तो बताओ वसीयत का क्या होगा। तो क्या गवर्नमेंट या कोई पार्टी जो भी वहाँ पर इन्वॉल्व है या उसके बच्चे उस वसीयत को चेंज करवाएंगे? अब डॉगी है ही नहीं तो कहाँ से दे दोगे 20,000 रुपए? तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांस आ जाते हैं कि मैनिपुलेशन करवानी पड़ जाती है, चेंजेस करानी पड़ सकती है। तो इसका मतलब मैनिपुलेशन वसीयत में भी पॉसिबल है, ठीक है? हाँ, तो इसका मतलब समझ आ गया मैनिपुलेशन इसमें होती है? यस होती है। बहुत सारे बच्चों को इसमें यही समझ में आता था, मैंने बता दिया। दूसरी बात कि क्वालिटेटिव क्यों है? क्वालिटेटिव इसलिए है कि इस पर्टिकुलर बंदे ने ए नंबर का जहर खा के जान दी, तो क्या दूसरे बंदे की डेथ होगी तो उसने भी वही वाला जहर खाया होगा? कंपलसरी है, एक ही जहर मिलता है दुकान में मार्केट में। तो फिर हम एक का जो रिजल्ट आया है उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये क्वालिटेटिव हुआ, सबके ऊपर सेम आंसर नहीं आएगा। क्वांटिटेटिव का मतलब हर बार रिजल्ट सेम आएगा, क्वालिटेटिव का मतलब श्योरिटी नहीं है, ठीक है? श्योरिटी नहीं है, नो जनरलाइजेशन। ओके, तो बहुत सारी चीजें आप अच्छी अच्छी सीख चुके हो रिसर्च रिलेटेड, अब दो चीजें और सीख लो। एक ये कि हाइपोथेसिस कहाँ बनता है, और दूसरा ये जनरलाइजेशन कहाँ होती है, ठीक है? तो आपके रिसर्च के आधे से ज्यादा प्रश्न सही हो जाएंगे आज की अभी इसी इतने हिस्से में से, ठीक है? हाँ ठीक है। तो हाइपोथेसिस और जनरलाइजेशन दोनों ही क्वांटिटेटिव में ही होता है। ठीक है, दोनों ही क्वांटिटेटिव में होता है। वैरायटी ऑफ जहर अवेलेबल दुकान, वांट टू बाय देम, ठीक है? कोई चूहे मारने की दवाई बहुत सारी खा सकता है, कोई नॉर्मल दवाइयाँ जो मिल रही हैं, नॉर्मल मेडिसिन भी उसका पूरा पत्ता खोल के खा सकता है। अब कोई कल को ये नहीं बोलेगा नवदीप मैम ने आइडियाज दिए थे, एक लगाऊंगी यहाँ से चाहे तुम सोसाइटी को ना कर रहे हो, उसके बाद भी एक पड़ेगी ना तो कल आ जाएगी। मैंने कोई आइडिया नहीं दिया, मैं बता रही हूँ टाइप ऑफ जहर। क्वांटिटेटिव हाँ जी, बिजनेस अच्छा फ्लेवर वाला पॉइजन बनाते हो अच्छा देखो मेरी बात सुनो, कौन बोला, कोई बोला कुछ? अच्छा नींद, ठीक है नींद की गोलियाँ ज़्यादा खा ली, मेरे को लगा ये तो नहीं बोल रही नींद आ रही है, फिर भी मैं समझाती हूँ तुम्हें कैसे आ रही नींद, पेपर सर पे नींद आ रही तुम्हें, है नहीं आ रही, अच्छी बात है। तो हाइपोथेसिस भी क्वांटिटेटिव टाइप के रिसर्चेस में लगेंगे, जनरलाइजेशन भी क्वांटिटेटिव टाइप के रिसर्चेस में ही होगी, सब में नहीं होगी, ठीक है? उसका रीजन बताती हूँ कैसे। कि हाइपोथेसिस का मतलब है कि टेंटेटिव स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस में होता क्या है कि एक हाइपोथेसिस नल होता है और एक हाइपोथेसिस अल्टरनेट होता है, और ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, यानी कि एक अजम्पशन होती है कि शायद इस पर्टिकुलर चीज का रिजल्ट ये निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल, या नहीं निकलेगा। नल हाइपोथेसिस, नल का मतलब बताओ, नल का मतलब नलिफाई, नलिफाई मतलब नेगेटिव। तो जो नल हाइपोथेसिस होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि वो मुझे ये कह रहा है कि JRF नहीं होगा रे बाबा। अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिसर्चर का हाइपोथेसिस होता है, इसको रिसर्चर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, तो ये कह रहा है कि तेरा JRF हो जाएगा, ठीक है? तो इधर दो प्रकार, एक ही हाइपोथेसिस में दो हाइपोथेसिस बनते हैं, यानी कि नल एंड अल्टरनेट। उसके बाद हम लोग उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे करते हैं? ZTETIS टेस्ट, काइस्पर टेस्ट, कोई से भी टेस्ट लगाकर। अब जब एनालाइज किया तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा, ठीक है? तो इसका मतलब कि यहाँ पर हाइपोथेसिस बनाना कंपलसरी कौन से टाइप की रिसर्चेस में, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आएगा। क्वांटिटेटिव टाइप की रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाना कंपलसरी है, ठीक है? क्वांटिटेटिव यानी कि डिडक्टिव टाइप की रिसर्चेस में हाइपोथेसिस बनाना कंपलसरी है, कंपलसरी। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस बनेगा कि नहीं?
क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाना। जी शुक्रिया जी, क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाना ऑप्शनल है। मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो फिर आप कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करो, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद दोबारा आया करो और अपने सारे फ्रेंड्स को बताओ इस क्लास के बारे में, नव क्लासेस के बारे में, ठीक है, क्योंकि दिस इज रियली वेरी मच रिक्वायर्ड, ये चाहिए अभी इस वक्त, क्योंकि हमने अब अपना काम कर लिया है प्रॉपर, तो इस चीज के लिए वर्ड ऑफ माउथ चाहिए, और वर्ड ऑफ माउथ के लिए बेस्ट तरीका हमारा नव लर्नर्स ही है जो आगे आगे तक इस बात को पहुंचाएंगे, ठीक है। सो क्वालिटेटिव में ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शन क्या है कि बनाओ तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। हिस्टोरिकल में बनाओ तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ऐसे 100% श्योरिटी नहीं है। फंडामेंटल में बनाना होता है, क्वालिटेटिव में से सिर्फ एक ही है फंडामेंटल, उसमें बनाना होता है। अब हम आते हैं जनरलाइजेशन की तरफ। जनरलाइजेशन भी क्वांटिटी में ही होती है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी टाइम सेम रिजल्ट आ रहा है, हर बार मैं बार 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 काम कर रही हूं तो सेम रिजल्ट आ रहा है, या फिर ऑल रिसर्चर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर अगर सेम काम को सेम मेथड से करें तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट में कर रही हूँ उसको रितु पायल शंभू अगस्ता आस्था मोनिका काजल ये सब करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, और एक एक्सपेरिमेंट नवदीप कौर कर रही है तो नवदीप कौर भी आज कल परसों तरसों करेगी तो सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी बन गई, और इसका मतलब एक पर्टिकुलर मैंने रिसर्च करी है इसको बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है, मतलब जर्नली लागू किया जा सकता है, मतलब हर बार श्योरिटी यहाँ पर लाई जा सकती है। तो हेयर वी आर श्योर अबाउट द रिजल्ट्स, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव हो जाएगा अगेन, ठीक है। ये होता है, मैम हेल्पिंग मी, बिल्कुल गुड। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके आधे से ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अब जो आपने नोटिस किया जितने भी क्वेश्चन पूछे थे वो सारे आपके कवर मैंने यहाँ पर अभी तक करवा दिए, अब मेरे को आगे देखने दो कि क्या बचा अपना, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप एक कंसर्न बुक को भी साथ में रेफर डेफिनेटली कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं एथिक्स ऑफ रिसर्च। एथिक्स शब्द का मतलब क्या होता है, मैम एक एमसीक्यू स्कोर्स निकाल दो ना प्लीज, नो क्लासेस पर निकाला तो है लक्ष्मी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या हो रहा है, पेपर वन के एमसीक्यू से तो हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल हो रहे हैं। अभी अगला मंडे यानी कि कल किसके करेंगे हम, कल रिसर्च एप्टीट्यूड के कर लेंगे, सिंपल वो तो रहे। और आप और भी अच्छी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल पेपर में एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पेपर आता है ना, इंग्लिश में भी होता है हिंदी में भी होता है और आपका टाइमर चल रहा होता है, उसकी तरह अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो नव क्लासेस ऐप के अंदर। और साथ ही साथ उसके जो सॉल्यूशंस हैं आंसर्स हैं वो हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन है, और इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। वो आपकी स्पीड को बहुत अच्छा बना देंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा वो आपकी प्रैक्टिस भी करा देंगे, आपको वो क्वेश्चन आ भी जाएंगे, ठीक है। ठीक है, क्या हो गया अब, और वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि 375 रुपये की है सिर्फ, 375 रुपीज ओनली, इतने का तुम आने जाने का कहीं भी किराया लगा दोगे, ठीक है। एथिक्स शब्द का मतलब है कि नैतिकता, ठीक है, नैतिकता को फॉलो करना। मैम 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन कितने दिन में खत्म करने चाहिए आपके हिसाब से, जो मेरी ये 375 रुपीज वाली जो बुक है ये, सो इसके अंदर देखो आप लगभग हर एक यूनिट को टारगेट दे दो ना, आप पहले क्या करो जून एक एक दिन लगाओ सिर्फ जून वाले सारे क्वेश्चंस करने में, यानी कि 10 दिन में सारी यूनिट हो गई जून की, यानी कि इसमें जो बाद में दे रखे हैं, फिर बचेगी फैब मार्च वाली, क्योंकि हो जाएंगी जून वाली शिफ्ट सिर्फ 19 थी, 19 × 5 = लगभग कितनी हो रही गिन के बताओ। अब दूसरी बात, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फैब मार्च के क्वेश्चन को अब दो दो दिन भी लगा सकते हो, एक दिन भी लगा सकते हो, दो दो भी लगा सकते हो,
तो फिर आप कवर कर पाएंगे ऐसे सारे के सारे। ठीक है, समझ आ गई। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी बुक्स के भी लिंक दिए हुए हैं, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मिल जाएगी। बोलिए भाई मैम, डिफरेंस बिटवीन डॉक्ट्राइन एंड नॉन डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन किसी भी पर्टिकुलर लॉ रिलेटेड टॉपिक पे, एक्ट रिलेटेड टॉपिक पे करते हैं तो उसको डॉक्ट्राइन बोलते हैं, नॉन डॉक्ट्राइन उसके अलावा सारी होती है। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो में जनरलाइजेशन होगा कि नहीं? एक्स पोस्ट फैक्टो आप सिर्फ इतना देखो कि वो क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है। वो क्वांटिटेटिव है तो उसमें जनरलाइजेशन होगा, आपको और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने आपको ट्रिक बता दी, ट्रिक सिर्फ इतनी है कि एक्स पोस्ट फैक्टो जितनी भी रिसर्चेज है क्वांटिटेटिव उसमें जनरलाइजेशन होगा और जो क्वालिटेटिव है उसमें जनरलाइजेशन नहीं होगा। हाइपोथेसिस की भी ट्रिक बता दी, क्वांटिटेटिव में होगा क्वालिटेटिव में नहीं। और आपका एक और चीज़ था कंट्रोल ऑन द वेरिएबल या फिर मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन की ट्रिक क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो में मैनिपुलेशन नहीं होता बस। ठीक है, बाकी सब में हो सकता है, या फिर डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव या एक्स पोस्ट फैक्टो में मैनिपुलेशन नहीं होता, बाकी सब में होता है। इसकी भी ये ट्रिक है। ठीक है जी, इट्स माई फर्स्ट अटेम्प्ट, हो जाएगा क्लियर? बिल्कुल हो जाएगा पायल। और अगर आपने इससे पहले कोई तैयारी भी नहीं किया या साथ साथ करना चाहते हो, और जो बच्चे रिवाइज भी करना चाहते हैं, तो नव क्लासेस ऐप में आपका पेपर वन का जो कोर्स है वो ले लीजिए। मैं आपको यहाँ पर रिवीजन हो जाएगी रात को 10 बजे, रात को 9 बजे वाले क्लासेस में, और वहाँ पर आपके डिटेल में हर एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ठीक है, काशी में भी होता है। हाँ, ये बुक हिंदी में है क्या? पेपर पर बुक में ही, इंग्लिश में ही है, लेकिन अगर आप कोर्स लेते हो तो उसके अंदर जो मेरे नोट्स हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में हैं। ठीक है, इन ऐप नोट्स मिलेंगे वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। आइए, और उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड प्रीवियस से क्वेश्चन भी मैंने दे रखे हैं नोट्स में, बल्कि कॉन्सेप्ट्स भी दे रखे हैं, प्रीवियस से क्वेश्चन भी, और 2004 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन दिए, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि नोट्स तो अपना कोर्स है नव क्लासेस में, तो मैंने सबसे बेस्ट ही दिया है, अपनी चीज में सबसे बेस्ट ही काम किया है। एथिक्स नहीं समझ रहे तुम यार, एथिक्स का मतलब नैतिकता, नैतिकता का मतलब कि कोई भी चीज अच्छे तरीके से करना। ठीक है, प्लीज नीड टू हेल्प गाइस, बताओ कि EWS चलो मैम एमकॉम के एग्जाम भी हैं दिसंबर में, फिर तो ज़्यादा अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर आप एमकॉम के एग्ज़ाम हैं, अगर आप पेपर और कॉमर्स दोनों का अगर साथ में कवर अप करते हो, तो आपके वही सेम एक तरीके से कॉमर्स की ट्यूशन का काम करेगा। ठीक है, मेहनत करो। आपको मैं बताऊँ, मैंने भी दिसंबर अटैम्प्ट में JRF, मेरा भी जब JRF हुआ था, अभी मैं अटैम्प्ट भूल गई जूने की दिसंबर, लेकिन मेरा भी ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम थे, और एग्ज़ाम जब ख़त्म हुए उसके बाद मेरे पास 8 दिन थे, और 8 दिन के बाद नेट JRF का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो वहीं पे मेरा JRF फर्स्ट टाइम पे ही हो गया, क्योंकि हम साथ साथ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत जो करनी थी वो करनी थी पेपर वन में, फिर पेपर वन की भी तैयारी अच्छे से मेहनत करी और फिर यहाँ लेकर आई। तो इसी तरीके से आप लोग भी अब साथ साथ करें, और आपका जो पेपर टू है वही कहीं ना कहीं JRF में भी आएगा। मेरा नैतिकता नहीं समझ रहा कोई, बाकी सब समझ रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट हमारा सेंट्रल लेवल का है, स्टेट लेवल का नहीं। आप वैसे तो मेरे को जो समझ में आया वो सेंट्रल लेवल का नेशनल मांगा है उन्होंने, क्योंकि ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इस वजह से कि आप अपने स्टेट से बाहर भी जॉब ले सकते हैं। अब आपको ज़्यादा ही डाउट लग रहा है तो आप एंटी को कॉल करो, वो कॉल सुन रहे हैं आजकल। ठीक है, वो जो जवाब देंगे वो मेरे को भी दे देना। ठीक है, कॉल करोगे वो उठा रहे हैं, अगस्तस ने भी किया था, उसका भी उठाया था। एथिक्स, एथिक्स का मतलब अच्छे काम करना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए गुड मैनर्स, ऑफिशियल तरीके से चलना, नो चीटिंग। ठीक है, ये तो एक क्या कहते हैं लेमैन की लैंग्वेज में मैंने बता दिया। अब मैं ज़रा रिसर्च की लैंग्वेज में बताती हूँ। इसमें एथिक्स का मतलब है कि नो प्लेजरिज्म, ठीक है, प्लेजरिज्म नहीं करना, चीटिंग नहीं करनी, यानी कि किसी और का डाटा अगर मैंने कॉपी करके पेस्ट कर लिया है तो वो गलत है। अगर मेरे को किसी और का डाटा लिखना है तो एक तो पैराफ्रेज भी करना पड़ेगा, और दूसरा आपको उसको रेफरेंस भी देना पड़ेगा, दोनों काम करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने भी पिक किया था। हाँ ठीक है, कर रहे हैं वो पिक, आप उनसे पूछ लो।
और जो भी बताएंगे मेरे को भी बता देना ताकि मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी बता पाऊँ, ठीक है। वैसे अभी जो एक के दो के ने कॉल किया था तो मैंने उनके हिसाब से आपको बता दिया, आप बता देना। सो एनोनिमिटी बनाए रखना, मतलब कि जो स्टूडेंट्स सॉरी जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यानी कि हमारा सैंपल, जैसे कि मान लो मैंने प्राची से सैंपल लिया, ट्विंकल से सैंपल लिया, ठीक है। मुझे ये नहीं डिस्क्लोज करना कि प्राची ने ये वाली बात कही, ट्विंकल ने ये वाली बात कही, नहीं, मुझे ये डिस्क्लोज करना है कि इन सैंपल्स ने ये सब कहा है। इनके पर्सनल आइडेंटिटी, इनका नाम, इनका फ़ोन नंबर, ये वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया पॉइंट? तो एनोनिमिटी शब्द का मतलब है उसका नाम, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को नहीं दिखाना। फिर क्या दिखाना है? हवा। अरे जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया है ऑफिशियली, जो हमने एक्चुअली भरवाया है उनसे, वो उसको एनालाइज करेंगे। अब आ गया समझ? जी अच्छा ठीक है। मैम जनरल वालों को भी कास्ट सर्टिफिकेट देना है क्या? आपको क्यों देना है जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट, मुझे बताइए। कास्ट सर्टिफिकेट वही लेंगे ना जो अपने आप को ओबीसी में या किसी और कास्ट में कह रहे हैं कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। और क्या कह रहे हैं? नो फैब्रिकेशन। फिर इसके लिए पहले समझना पड़ेगा फैब्रिकेशन क्या होता है। फैब्रिक का मतलब बताइए आप। फैब्रिक का मतलब होता है कपड़े, ठीक है। तो फैब्रिकेशन का मतलब कपड़े चढ़ाना। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास, मुझे मैंने वादा किया था कि मुझे 500 लोगों का सैंपल चाहिए, लेकिन मेरे पास आए सिर्फ 200 लोग, मेरे पास आए सिर्फ 100 लोगों का सैंपल। तो मैंने जानबूझ के उस 100 का सैंपल को 5 से मल्टीप्लाई करके 500 का बना दिया। तो मैंने इस 100 के सैंपल का जो रिजल्ट है उसके उसको कपड़े चढ़ा दिए, यानी कि उसको फैब्रिकेट कर दिया। फैब्रिकेशन शब्द का मतलब होता है कि एडिशंस कर देना, ठीक है, कुछ एडिशंस कर देना और चीज़ें ऐड कर देना। एग्जाम्पल के लिए कोई भी किसी व्यक्ति ने अगर आंसर दिया और कहीं पे किसी ने आंसर नहीं दिया, या फिर मेरे से हो सकता है इंटरव्यू के टाइम पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, या फिर डाटा मिसिंग है, पूरा नहीं है, तो जानबूझ के उस मिसिंग डाटा को ऐड कर दिया या फिल कर दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं फैब्रिकेशन में आता है, ठीक है। पैराफ्रेजिंग, अच्छा सही बात है, उसमें गलती नहीं है। पैराफ्रेज शब्द का मतलब, चीटिंग करने के लिए करोगे तो एक अलग बात है। पैराफ्रेज कर दिया लेकिन उस बंदे को साइट नहीं किया, अभी भी उसका रेफरेंस में उसको क्रेडिट नहीं दिया, तो प्लेजरिज्म है। अगर आपने पैराफ्रेज करने के साथ उसको क्रेडिट भी दिया है, दोनों काम किए हैं, देन प्लेजरिज्म नहीं है, ठीक है। आया समझ? हर बार की बात नहीं है ना, इस बार उन्होंने कर दिया है तो जब से रूल चेंज है तब से मानने पड़ेंगे, ठीक है। हमारा बनता ही नहीं है, मैंने पता किया था, ठीक है। तो जो भी है, अब कल सबका टास्क होगा कि एक आधा बच्चा मेरे को कॉल करके आंटी ने क्या बोला वो बता दे, ठीक है। फिर आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर हम उस पर एक्सप्लेन कर देंगे बाकी बच्चों को भी, सिंपल, ठीक है। अभी इधर बात कीजिए, नो फैब्रिकेशन एंड नो फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन शब्द का मतलब क्या है? कि फॉल्स यानी कि झूठ नहीं बोलना। मतलब मान लो कि जानबूझ के किसी ने मुझे बोला कि ना मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे एक्चुअली देखना था, अच्छा किसी ने बोला कि नहीं हम तो इन्वायरमेंटल रूल्स को नहीं मानते, और मुझे बताना कि इन्वायरमेंट के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी के अंदर, तो मैंने जानबूझ के उसने जो बोला उसकी बजाय मैंने कुछ और लिख दिया या कोई डाटा छुपा लिया जो मेरी स्टडी के खिलाफ जा रहा है, उन डाटा को छुपा लिया, या झूठ बोला, गलत बोला। तो झूठ बोलना मतलब आंसर आ रहा है एग्जाम्पल के लिए पी वैल्यू का 0.055, जो कि सही नहीं है, 0.05 से छोटा होना चाहिए, बड़ा हो गया, और मैंने उसको छोटा करके दिखा दिया। आंसर आ रहा है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं हम, मैंने जानबूझ के एक्सेप्ट करके दिखा दिया, झूठ बोला, तो वो होगा फॉल्सिफिकेशन। तो फॉल्सिफिकेशन नहीं करना। अगर हम फॉल्सिफिकेशन नहीं करेंगे तो ये एथिकल होगा। क्या बात समझ में आ गई? अब पॉइंट ये है कि रिसर्च के कौन सी वाली स्टेजेस में आपका अनएथिकल सबसे ज़्यादा होता है, या एथिक्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। क्रिटिकल शब्द आ जाता है,
या फिर अनएथिकल आ जाता है, ठीक है, कौन सी वाली स्टेज में ऐसा होता है? तो ज़्यादातर रिसर्च में सबसे ज़्यादा चीटिंग जो लोग करते हैं ना, वो एक्चुअली आपको दिख रहा होगा कि डाटा कलेक्शन के समय करते हैं। मैंने किसी से डाटा उठाया और उस डाटा को कलेक्ट करते समय मैं उसको देख रही हूँ कि ये मेरे मतलब का है, ठीक है, रख लिया, नहीं है, साइड कर दिया, या फिर मेरे मतलब का है, नहीं है, लेकिन मैंने इसमें चेंजेस कर दिए साथ के साथ चेंजेस कर दिए, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया डाटा कलेक्शन। दूसरा और कम सबसे ज्यादा चीटिंग होती है, सबसे ज्यादा इससे भी ज्यादा चीटिंग लोग करते हैं जब इनके पास और कुछ बचता नहीं है फाइनल रिजल्ट्स लाते समय या फिर एंड में, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, ये दूसरे नंबर पे। जैसे कि जब हम पूरा रिसर्च कर चुके हैं, अब पता है यार सबमिशन नहीं हुआ तो मेरी पीएचडी रुक जाएगी, ये वो, मैं एंड में आके कुछ भी हाथ से रो करके आंसर दिया, तो दैट इज चीटिंग एट द एंड ऑफ द रिजल्ट। आप सोचो, आपको पता है कि अब दिसंबर 2023 में पेपर आ गया है, आप कब जागे हो? आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो शुरू से पढ़ाई करें, अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे आज ही जागे हैं, कुछ बच्चे अभी जागे हैं, कल परसों जागेंगे कि भाई ठीक है पेपर देना है, है? तो इसका मतलब आप मानते हो कि लोगों में हड़बड़ी आती है या चीटिंग करने की दिमाग में आती है तब जब एंड हो जाए बिल्कुल, अब समय नहीं बचा, ठीक है, या अब तो बस आंसर निकाल के दिखाना है। तो जानबूझ के लोग चीटिंग जब उसके इंटरप्रिटेशन के टाइम, फाइंडिंग के समय, कंक्लूजन के समय, एविडेंस के समय, ठीक है, तब निकालते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। रिजल्ट इन डिस्कशन, डिस्कशन करते समय चीटिंग करते हैं, ठीक है, अभी होश आए हैं इनको, हाँ, और फाइनल रिजल्ट के समय। अब मुझे ये बताइए कि ये ज़्यादा लोग होते हैं कि ये, या डाटा कलेक्शन करते समय ये दिमाग शातिर होना का मतलब ये नेक्स्ट लेवल है, ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं इतने ओवर स्मार्ट, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चीटिंग फाइनल रिजल्ट्स को करते समय, इंटरप्रिटेशन के समय करते हैं, ठीक है, मैं टॉपिक करते हैं तब, हाँ, फिर तब मेन टॉपिक करते हैं, यस। आग लगने पर कुआं खोदना, ये बात है, ठीक है, आग लगने पे कुआं खोदना, यानी कि ये याद रखना सबसे ज़्यादा चीटिंग यहाँ पे लोग करते हैं, क्रिटिकल ये है, इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर चेक करना है कि चीटिंग तो नहीं कर रहे, और उससे थोड़ा कम ये, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे, जैसे कि हाइपोथेसिस बनाना, टाइटल डिसाइड करना, लिटरेचर जो करना, फिर क्या चीटिंग कर लेंगे, तो उसमें ऐसा जितना दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है यहाँ पर, यहाँ और यहाँ बस। कभी भी हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू ट्रू के साथ फॉल्स नहीं आना चाहिए, ये भी हमेशा इनवैलिड होता है, ठीक है, मतलब अगर हमने सही रिसर्च करी, सही रिजल्ट की, फिर भी आंसर गलत आ रहे होते हैं तो भी वो इनवैलिड होते हैं, ठीक है। अभी आपको एथिक्स समझा दिया मैंने, मैं मेरा एग्जाम सुन के स्टडी करे हुए टॉपिक भी गोलमाल हो जाते हैं, गोलमाल है भाई, गोलमाल है, तो वो जो गोलमाल हो जाते हैं ना, उसके अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लीस्ट वनरेबल, लीस्ट वनरेबल आस्था जी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर मैं मेरे लीस्ट वनरेबल क्वेश्चन में पूछेगा तो डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस लास्ट वाले पॉइंट्स, इन सबको छोड़ के जो बचेंगे वो वाला आंसर हुआ, ठीक है, अभी ये भी क्लियर हो गया। चलो, अभी आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स रिसर्च के कर लिए हैं मेरे हिसाब से, और अगर हम देखें रिसर्च के करेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च वगैरह सब कुछ, तो आज हमारा रिसर्च का, हम कह सकते हैं कि आज की क्लास अगर आपने कर ली ढंग से, तो 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन तक तो आपके अच्छे से बनी जाएंगी। अभी भी 1 क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, वो दिक्कत ये है ICT इन रिसर्च नहीं किया हमने, हाइपोथेसिस को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी नहीं किया, ये हम फिर कभी भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अब जब ये 10 की 10 यूनिट हो जाएंगी, फिर हम एक और चक्कर लगाएंगे, भ्रमण करेंगे दोबारा, और एक और चक्कर लगाएंगे, यानी कि एक और बारी मैराथन करेंगे सारी यूनिट्स की, कर सकते हैं फिर तो, ठीक है, ऐसा हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। या फिर अगर आपके पास मेरी बुक है या क्लास है तो हम अपनी क्लास में कंप्लीट तो करने वाले हैं, ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच। और वो सैम्पलिंग वाला पार्ट जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स में आता है, तो स्टैटिस्टिक्स की जब मैं कॉमर्स की मैराथन लूँगी तो आप लोगों के साथ में हो जाएगा, पेपर वन की भी होगी इंडायरेक्टली। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेट, JRF एंड ऑल इंडिया रैंक 1। आप सबको मैं कह रही हूँ कि
नव क्लासेस ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारी खुद की ऐप है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि यू शुड डाउनलोड दीज ऐप्स फॉर UGC नेट JRF फॉर रिसर्च PhD एंड सो मैनी थिंग्स, ठीक है। सो शुक्रिया जी, हैव अ नाइस डे। अपना कमेंट जरूर करना और अपने सारे दोस्तों को बुला के लेके आना, ठीक है, थैंक यू। कल MCQs करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड पे।